जो ठेकेदार है ना, ये कौन के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनको जवाब देना होगा। इन बंदी सिखों को निकाल करके जो आगे पकड़े गए, लुधियाना ब्लास्ट के पकड़े गए, उससे पहले हथियार पकड़े गए, क्या वो भी बंदी सिख बनते जाएंगे? मुझे जवाब दीजिए। 84 से पहले और 84 के दौर में जो हुआ उससे कहीं ज्यादा चीजें अगले 11 साल की। आप उस वक्त पंजाब में कैबिनेट मंत्री थे, आप उसी कांग्रेस में थे जिसके मुख्यमंत्रियों की गलतियों की वजह से 1984 हुआ था। आप उसी सरकार के एक अंश थे या अंग थे, सरदार बेन सिंह, जिन्होंने की बाद में आतंकवाद को अगर खत्म किया तो वहीं बहुत से नौजवानों को मारा भी गया। तो ये जो पूरे की पूरी मूवमेंट है और जितने बंदी सिंहों की या सिखों की आज बात हुई है, जो कैदी हैं, ये सब उसी के उभरे हुए लोग थे जो कि उस दर्द से उभरे हुए थे। 31 साल से प्रोफेसर दिनेंद्र पाल गुर्जर जेल में है, उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है ये कहना है। अगर 31, 27, 28 साल ये जेलों में रह चुके हैं और इनको आपने कोई वैसी सजा नहीं देनी, तो फिर उस स्थिति में अगर इनको रिहा भी किया जाए, इसको सजा मानते हैं नहीं मानते 31 साल, 28 साल, 27 साल, 26 साल जेल में इसको सजा मानते हैं नहीं मानते कि ये रोज शोर मचता है, कि ये मेंटली अपसेट है। ये बिल्कुल मेंटली अपसेट नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। अगर हम चाहते तो फांसी की सजा हो सकती थी, इसको फांसी से बचाया जाता है। फिर केजरीवाल जी चिट्ठी लिख के भेजते राष्ट्रपति को, इसको फांसी से बचा दो, चलो उसके बाद फिर सरकार बनती, इसको पंजाब में भेज दो। फिर कैप्टन साहब आते, दिल्ली चिट्ठी लिखते, इसको परमानेंट छोड़ दो। वो वाय को मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से भी कोई प्यार से बात कर लेता, मेरा भी कोई दुख सुन लेता, उन शहीदों का दुख सुन लेता जो मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, 90 जो जख्मी जो शहीद हुए उनका दुख सुन लेता। जगराओं के अंदर ट्रेन से निकाल के इसने हिंदू भाइयों को शहीद किया, गाजियाबाद के अंदर इसने कई लोगों को मारा, एक वारदात की बुनर में, और एक उन परिवारों को भी पूछ लेते। लक्की जी आप तो एक तरफा ही चलते जा रहे। सारी बात मैं ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कर रहा हूँ कि देवेंद्र पाल बुल्लर जो कि आपके केस में, जिन्होंने किस बॉम्ब को, वो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने आपके ऊपर जो दिल्ली में बम लगा था, केएलएफ का वो था, उनके पिता को, उनके रिश्तेदारों को उठा के बाद में टॉर्चर किया गया, आज तक उनके लोगों को पता नहीं चला। बलवंत सिंह मुल्तानी का केस चल रहा है, उनके परिवारों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। हम मेरा उसमें क्या तलक, मुझे बताइए ना, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी का एनकाउंटर कराया, मैंने किसी पे केस रजिस्टर कराया, मेरे साथ जो 38 शहीद हुए उन्होंने क्या बुल्लर का कोई नुकसान किया परिवार का, जो नखमे 90 जख्मी हुए उन्होंने नुकसान किया? अरे हमारी बात सुनने को कोई तैयारी नहीं, और कहते उनका ये हुआ, अरे हुआ तो वो अपना सैनिक का केस चल रहा है वो देखे, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया, मैंने किसको गोली मारी, मेरी तो कोई बात ही नहीं। बात मेरे पास ना हो चलो मैं पापी गुनाहगार सिख हो सकता हूँ, आम जो शहीद हो गए उनके घर में भी कभी चले जाओ, भाई गलतियां हो गई। तो मनिंदर जीत सिंह बिट्टा 1990 के शुरुआत के दशक के सालों में क्या था और वो ऐसा क्या करता था जिस कारण उसके हमले हुए, ये हमें बताएं। पुल होता है मेरे पे ब्लास्ट होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के, छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बच्चे कई बच्चे उड़ जाते हैं, तारों पे लटक जाते हैं, घोड़े टांगे वाले, आधा घोड़ा ऊपर टांगों पे देखा, लटकता देखता हूँ। LMG का जवान CRP का आगे, उसका गर्दन उड़ जाती है और LMG जो है किसी के सीना पार करके चले, खून ही खून बह जाता है। पूरा पंजाब भवन उड़ाना था इन्होंने, एक महीने से जिद्या सिंह लाहौरिया, हरनेक सिंह बप लाहौर और ये भुल्लर, ये जनपद होटल में कार बम तैयार करके, अम्बेसडर कार में तैयार करके वहां रखा था जनपद होटल में। पब्लिक चली गई, मैं काम करने लग गया, जैसे काफला निकला ब्लास्ट हो गया। ली मैरिडन तक अंदर फॉरनर कई लोग शहीद हो गए और किसी का सिर उठा के लाए हाथ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से लाए, खतरनाक था, बम लाशें बच गई। मुझे एक चीज बता कि मुझे किसी ने पूछा, मैं तो जिंदा मिसाल हूं ना, हर चीज की जिंदा मिसाल हूं। वो सबूत छोड़ के जाऊंगा हर गांव के वो सबूत छोड़ के जाऊंगा, सिख कौम को बदनाम करने के लिए आपने क्या क्या गुनाह पाप किए, मलबे के अंदर से पिंजर मिले, पवित्र स्थानों के ऊपर किन किन लोगों को मारा, याद रखना। ये कभी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मेरी बात सुन लेना। दोस्तों हाजिर हां एक और खास चर्चा लेके, आज की इस चर्चा को आप हिंदी दे विच कंडक्ट करांगे, क्योंकि जो मेहमान आज मेरे नाल ने उन्हों वालों ये दरखास्त भी सी, बेनती भी सी, क्योंकि उन्होंने ऑडियंसिस जड़िया है ने, दुनिया भर के विच है ने, देश भर के विच हिंदी सुनने वाले बहुत ज्यादा गिनती के विच फॉलोअर्स उन्होंने फॉलो करते हैं। तो अज की गलबात आप हिंदी करांगे और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान है वो है
सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब वो शख्स हैं जो कि पंजाब में अलगाववाद के समय में खाड़कूवाद का जो एक दौर था उसमें अलगाववादी संगठनों के खिलाफ मुखर होके बोलते रहे और कई आतंकवादी हमलों का निशाना बने। खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नाम की जो जथेबंदियां थी उन्होंने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर दो बड़े घातक हमले किए जिनमें अमृतसर और दिल्ली के दो हमले थे जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई। आज उस वक्त जब पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि सिखों की मिनी पार्लियामेंट मानी जाती है उनकी अगुवाई में एक पंथिक समिति बनी है जिसका कार्य है बंदी सिंह यानी कि वो सिख कैदी जो कि अलगाववादी संगठनों से जुड़े रहे कई हमलों में वारदातों में वो संलिप्त रहे और अदालतों द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया लेकिन कई दशक तक ढाई ढाई तीन तीन दशक तक वो जेलों में बंद है अपनी कैद काट चुके हैं। मानवता के आधार पर उनकी सजा माफ की जाए और उन्हें जेलों से रिहा किया जाए इसकी एक लंबी चौड़ी कवायद और मूवमेंट जो है पंजाब में पंथिक सर्कलों में शुरू हो चुकी है। इस मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वो प्रभावित शख्स हैं वो किरदार हैं जो कि टारगेट और हिट लिस्ट पर थे आज उनसे बात करेंगे। बिट्टा साहब बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। बेटा साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब में राजनीति जो है अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि एसजीपीसी और भारतीय जनता पार्टी की भी स्थानीय लीडरशिप मांग कर रही है कि वो लोग छोड़े जाएं जो कि दशकों से जेलों में बंद हैं और उनमें से बहुत से वो लोग हैं जो कि पंजाब के मरहूम जो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्याकांड के मुलजिम है मुजरिम है और आप पर भी जो हमला हुआ था उसमें प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर जो कि की एक्यूज थे उनकी भी रिहाई का प्रश्न है क्योंकि उनके भी जेल में 31 साल पूरे हो चुके हैं। आप इस पूरी कवायद को कैसे देखते हैं? पहली बात तो लक्की साहब मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं हम उन लोगों की बात तो करते हैं जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया। 36,000 लोग पंजाब में शहीद हुए कई बहनों के सुहाग उजड़े कई बच्चे यतीम हुए जिनको शहीद किया उसमें 19,000 हिंदू भाई थे हमारे। हमारा 9 मास का रिश्ता था हमारा रोटी बेटी का रिश्ता था जिनको शहीद किया। क्या किसी के हाथ में कोई तरचूल था? क्या किसी के हाथ में कृपाण थी? क्या किसी के हाथ में बंदूक थी? क्या किसी के हाथ में कोई चीज थी किसी को मारने के लिए? ट्रेनों से निकाला बच्चों से निकाला बच्चों को कमाने के लिए पिता रोटी कमाने जाता अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार के लिए अपने मां बाप के लिए बच्चों से निकाल के सिख भाइयों को अलग करके हिंदू भाइयों को जगराओं ट्रेन के अंदर और नया शहर के अंदर और कई और जगह पे अंदर अजनारा के अंदर ठा ठा करके शहीद कर दिया जाता है। क्या मानवता इसको कहती? रोज रोज हरिमंदर साहब के अंदर हरिमंदर साहब एक पवित्र स्थान है पहले क्या हुआ अपमान किसने किया? मैं मानता हूं इस चीज को हम बच्चे थे आज समझ आई कांग्रेस की लीडरशिप ने उस वक्त यह जगदीश टाइटलर है ना मैंने खुद देखे आते हुए जब जब पंजाब के अंदर आतंकवाद का दौर था स्पेशल प्लेन पे आते थे संदेश में हम बच्चे थे हमें तो समझ नहीं थी कौन थे ये लोग। तो मुझे एक चीज बताइए हम हथियार लेके क्यों गए? हमने गुरुद्वारा साहब को किला क्यों बनाया? आज हर गोबिंद सिंह महाराज की बात होती ना गुरु महाराज की उन्होंने क्या कहा था हर गोबिंद जी का किला हरिमंदर साहब के अंदर। अब तकलीफ होगी कईयों को परवाह कोई नहीं सच बोलूं भाई हरिमंदर साहब को किला नहीं बनाएंगे किला बनेगा हर गोबिंद जी का किला बनेगा जो जंग होगी वहां होगी। अरे इन्होंने हरिमंदर साहब में किला बना दिया। अगर सरकारें गलती कर रही हैं अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां गलती कर रही हैं हम हरिमंदर साहब को किला क्यों बनाए? हम अपनी जिंदगियां बचाने के लिए हथियार लेके क्यों जाए? हम बाहर में लोगों को बसों से ट्रेनों से निकाल करके लोगों को खत्म करके गुरुद्वारा साहब में शर्म क्यों ले? तो फिर फौज तो एक दिन आनी थी सरकारें भी नहीं चाहती थी जो चाहती थी वो किया ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और थोड़ी देर के बाद चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी की पूरी जीत हो गई।
यही था ना, इसको क्या कहोगे पॉलिटिक्स, क्या को कहेगा, बड़ी किताबें लिखेगी जनाब। मैंने किताब नहीं, मैं जीती जागती किताब हूं, आंखों से किताब देखी है। दूसरी बात मैं लक्की जी आपको कहना चाहूंगा, हमारे पंजाब को किया है नेताओं ने बर्बाद, हमारे पंजाब क्यों किया है इन धर्म के ठेकेदारों ने बर्बाद, हमारे पंजाब की जवानी को बर्बाद किया है इन राजनीतिक लोगों ने और धर्म के ठेकेदारों ने। पहले टेररिज्म ये स्कूल से बच्चे लाते थे, ये स्कूल से गुरु रामदास स्कूल से, मैं वहीं का रहने वाला हूं, और जाते थे बच्चे कहां मंजी साहब में, AK-47 होती थी, भाषण देते थे, बंदूकें पकड़ो, जो आज बंदूक की बात कर रहे हैं, पकड़ो बंदूकें पकड़ो, अरे 10-10 साल के माओ के लाल होश भी नहीं बेचारों ने, बंदूक पकड़ करके माओ के लाल ही चले गए हैं। 84 के दंगे भी हो गए, माओ के लाल भी चले गए, और हरमंदर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन में ब्लैक थंडर हुआ, कौन थे जिम्मेदार, मुझे एक चीज बताओ। मैं एक चीज मेरी बात सुन, मैं हाँ जी 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 आप पूछिए। आपने आपने बातों को बड़ी ही ईमानदारी के साथ पेश किया, और ये चीज मानी कि कांग्रेस का जो किया कराया था, आपके जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन दरबारा सिंह और जो ज्ञानी जैल सिंह थे, हाँ, केंद्र में जो यूनियन मंत्री थे, उनकी आपस की जो पॉलिटिक्स थी उसने पंजाब का नुकसान कराया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की एंट्री होती है, उसके बाद कौन कह देता है किसके इशारे पर सब हुआ, हालात लेकिन ये चीजें पुरानी है बेटा साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि आज हम अगर हम 37 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल बाद इन सब बातों को करेंगे, तो क्या हम कभी इन चीजों का क्लोजर कर पाए, हम इन चीजों को बंद कर पाएंगे, इस किताब को जो पंजाब की खूनी चैप्टर थे, क्या कभी उसको बंद कर सकेगा, और अगर कोई रिहाई के जरिए बंद करने की कोशिश की जा रही है तो लक्की जी क्या है। लक्की जी मेरी बात सुनो, अरे नई जनरेशन को हकीकत नहीं बनाएंगे कि ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ था, किनकी गलतियों से हुआ था, किसने डाल बनाया था हरमंदर साहब को, ये नहीं बताएंगे तो क्या ये आगे चलता रहेगा, कौम को कमजोर करते रहेंगे। हमारी कौम 2 करोड़, मैं नहीं समझा 2 करोड़, हमारी कौम पूरी दुनिया में राज करती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस कौम के आगे अपना सिर झुकाता है, हरमंदर साहब ने आके सिर झुकाता है। ये 4 आदमियों से बोलने से कुछ नहीं होता, ये जो पंजाब के है ना 4 आदमी, इनको पता नहीं है कि पंजाब के बाद कितनी सिख कौम है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, सब जगह पे जाता हूं, अरबों खरबों के व्यापार है, और हमारे से जाता धर्म को प्रफुल्लित करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं अगर हरमंदर साहब में भिंडरांवाले की जगह पे होता, मैं छोटी सी बात मेरे मन में विचार आया मैं बता दूं, बाहर आती फौज, देखो बाहर लोग मार के तो उधर ही अंदर ही जाते थे ना, बंदूकें AK-47 तो अंदर ही थी ना, खुली क्लियर बात करे, कोई नहीं बोलेगा, जिसने जो कहना कहे, जितने जो मारना मारे, मुझे क्या परवाह, मेरी बोनस की जिंदगी क्लियर देश की जनता को, युवा पीढ़ी को बताऊंगा। अगर फौज बाहर आती तो मुझे कहती बेटा आ जा बाहर, मैं तो गोलियां चलाएंगे, अगर मैं होता सच्चा सिख गुरु महाराज का तो मैं कहता जी मैं आया बाहर, ना मैं हरमंदर साहब पवित्र स्थान जहां आज हरगोबिंद सिंह महाराज का वो स्थान, जहां गुरदास जी महाराज या बब्बू बुड्ढा जी महाराज ने काल तख्त साहब का नींव पत्थर रखा, गुरु रामदास जी महाराज का पवित्र स्थान, मैं उसको ढाल और कवच ना बनाता, जो मैं होता ना लड़ने वाला, मैं कहता मैं आज बाहर फौज वालों पुलिस वालों ना मेरे सीने पे इंडिया कितनी गोली मारे मेरे सीने के ऊपर, तो मेरी एक नस भी ना बचे, पर मेरे तपो जपो से सजा हुआ वो हरमंदर साहब, गुरु रामदास जी का जहां हिंदू जहां मुसलमान जहां सिख जहां ईसाई रोज आके नमस्तक करता है, उसको कंकर भी ना लगे। हमने गुरुद्वारा साहब को ढाल बना लिया, न किसी जवाब दो लगे, हमने ढाल बना लिया, हमने कवच बना लिया, खुद भी चले गए गोलियों से, और संगत जिन्होंने बंदूक भी नहीं पकड़ी, जो बंदूकों गोलियों के छाए में सुबह 5 बजे उठ के मत्था टेक रहे, उनको भी शहीद करा डाला, तो इसकी बात कौन करेगा, कौन निकालेगा, पुराने इतिहास को कौन बताएगा। बंदी सिखों की तो बात कर लो, हम कब कहते ना करो, बंदी सिखों की बात कर लो, जो 36,000 लोग चले गए कब लोग नहीं थे, जो 84 के दंगे लोग चले गए इन लोगों की गलतियों से, कांग्रेस नेताओं की गलतियों से, इंटेलिजेंस लोगों की गलतियों से, दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 15,000 के करीब सिख भाइयों के शहीद किया गया, घरों में टैल डाले गए, वो किसके कारण हुआ, किसने आग लगाई, किसने गलती की, उत्तर तो कोई नहीं जाता। मुझे एक चीज बताइए, सिख कौम किस लिए मानी जाती है, मानवता के लिए, कोरोना आता है, भूकंप आता है, कोई तकलीफ होती है, सिख कौम हर कौम से आगे होती है, अब सिख कौम की ये पहचान बनाना चाहते हैं, रोज कृपाने निकाल लो, खालिस्तान जिंदाबाद, करनाल में कृपाने निकाले, क्या बताना चाहते हैं आप,
आप पंजाब में सीमित हैं, पूरी दुनिया में सिख रहते, पूरी पंजाब के बाहर सिख कौम रहती है। खालिस्तान का मतलब क्या, लक्की जी पहले आप ही बता दो क्या कौन सा खालिस्तान चाहते हैं, ये कुछ क्षेत्र का जी, मैं बताऊं। ये चैप्टर ना बड़ा बहुत लंबा चैप्टर है, आप ठीक चलिए, आप इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ बता रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दा है कि 1984 तक जो कुछ हुआ, 1984 से लेकर 1995 11 साल पंजाब में जो कुछ हुआ कत्लोगारत, तो उसके बाद ज्यादा हुई, 84 से पहले और 84 के दौर में जो हुआ उससे कहीं ज्यादा चीजें अगले 11 साल में। आप उस वक्त पंजाब में कैबिनेट मंत्री थे, आप उसी कांग्रेस में थे जिसके मुख्यमंत्रियों की गलतियों की वजह से 1984 हुआ था, आप उसी सरकार के एक एक अंश थे या अंग थे, सरदार बेन सिंह जिन्होंने की बाद में आतंकवाद को अगर खत्म किया तो वहीं बहुत से नौजवानों को मारा भी गया। तो ये जो पूरे की पूरी मूवमेंट है, और जितने बंदी सिंहों की या सिखों की आज बात हो रही है जो कैदी हैं, ये सब उसी उभरे हुए लोग थे जो कि उस दर्द से उभरे हुए थे। गलती किसी की भी हो, लेकिन कई पीढ़ियों तक उस दर्द को झेला गया, बर्दाश्त किया गया, और आज भी वो चीज लोगों के मनों में है। मुझे एक चीज बताओ, करने की हम उत्तेजित हो। अच्छा लो, अच्छा हाँ, लक्की जी मेरी बात सुनिए, बंदी सिख हो गए, चलो आपने कह दिया, उनकी बात सुनी जाए, ऐसा हुआ, सब कुछ हुआ, रोज हथियार आ रहे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, करनाल के अंदर कितने आतंकवादी पकड़े गए, अब इनको आतंकवादी कहेंगे, हथियार पकड़े गए, जो दिल्ली के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर, जो नदेड़ साहब के अंदर हथियार भेजे गए, गोला बारूद भेजा गया, सिर पे हमारी पगड़ी, कौम को हमारी को बदनाम करे, अभी तरनतारन में पकड़े गए, अभी ड्रोन के जरिए परसों 14-15 साल का लड़का जिसके मां नहीं किसी के बाप नहीं, उससे हथियार पकड़े गए, कौन सा उसके पीछे, मुझे बताइए, फिर वो भी बंदी सिखों में, मुझे जवाब दीजिए लक्की जी, आपको जवाब देना होगा, ये जो ठेकेदार है ना, ये कौम के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनको जवाब देना होगा, इन बंदी सिखों को निकाल करके जो आगे पकड़े गए, लुधियाना ब्लास्ट के पकड़े गए, उससे पहले हथियार पकड़े गए, क्या वो भी बंदी सिख बनते जाएंगे, मुझे जवाब दीजिए। बिट्टा साहब अभी कुछ दिन पहले फरार निवालन की सजा सुप्रीम कोर्ट माफ करते हैं, पंजाब के संदर्भ में ललित माकन के जो हत्याकांड के मुख्य दोषी थे रंजीत कुकी, उनकी सहमति के साथ माकन साहब के परिवार के साथ बैठ के अवंतिका माकन के साथ बैठ के मसले को रिजॉल्व कराया जाता है और चीजों को क्लोज किया जाता है। मैं चीजों को चैप्टर्स को क्लोज करने की बात कर रहा हूं, एक क्लोजर की धन्यवाद पर ढीला करने का नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए लक्की जी, किसने किया उनके विचार होंगे, ठीक है, हम कभी बोले, आपसे पूछना चाहता हूं कि बंदी सिखों के बारे में मेरी को स्टेटमेंट आई क्या 15-16 साल के अंदर, आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, क्या टेररिज्म के ऊपर, पंजाब के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, खालिस्तान के ऊपर क्या मैंने कोई चर्चा की, मैंने पंजाब को आग लगाने की कोशिश की है, तो मुझे बता दीजिए, आपने जब मुझे मौके पर बुलाया पन्नू के ऊपर मैंने चर्चा की, पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों की तरह आग लगाने की कोशिश नहीं की। अरे नाले चोरी, नाले सीना जोरी, नाले गोलियां चलाओ, नाले बम चलाओ, और उसके बाद हमें डराओ, उसके बाद ये माफी दे दो। अरे जो कार्रवाई हो रही है आप कर रहे हैं, आप किए धमकी किस बात की देते हैं, रोड हमें धमकियां किस बात की देते हैं, बिट्टा की पहले एक टांग बम्बों से उड़ा दी, अब दूसरी उड़ा देंगे, अब शरीर उड़ा देंगे। अरे इनको मैं कहना चाहता हूं, सुनो खालिस्तानी मेरी बात सुन लो, मेरा जीवन है बोनस पे, ना मैंने किसी को मारा, ना मैंने किसी को इनकाउंटर कराया, धमकियों से आपके डरता नहीं हूं मैं, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे, जो पंजाब के बाहर बैठे सिख है ना दुनिया में बैठे, उनके लिए मैं खड़ा हूं, और ये जो खालिस्तान की बातें करने वाले ना, बंदी सिखों की बात करने वाले, पहले ये तो बताओ खालिस्तान का मतलब क्या, रोज उठा के खालिस्तान के नारे लगाते हो, इसका मतलब क्या है, इनसे पूछना चाहता हूं, खालिस्तान का मतलब यही है ना कि कुरुक्षेत्र आ जाए पासपोर्ट के जरिए जाए, और बंगला साहब जाए पासपोर्ट के जरिए जाए, रकाबगंज साहब जाए पासपोर्ट के जरिए जाए, मोती साहब गुरुद्वारा जाए पासपोर्ट के जरिए जाए, पटना साहब गुरु महाराज का पवित्र स्थान जन्म स्थान पासपोर्ट के जरिए जाए, आखिरी स्थान गुरु ग्रंथ साहब विराजमान गुरु महाराज अमर पासपोर्ट के जरिए जाए, गुरु नानक देव जी महाराज उनके चरण उनकी खड़ाएं
उनके साहबजादे श्री चंद की खड़ाए पासपोर्ट के जरिए जाए ग्वालियर जाए जहां 58 राजे हरगोबिंद सिंह महाराज ने उनको छुड़वाया था है ना दिवाली के दिनों में पासपोर्ट के जरिए जाए और रोज हमारे गुरुद्वारा सामने हाथ जोड़ के प्रेयर होती है अरे गुरु महाराज हमारे बिछड़े हुए गुरुद्वारे साहब हमें दे देना ठीक है ना ये खालिस्तान चाहते हैं ये आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं बड़े कहते हैं हम तो बड़े बहादुर सिख हैं हमारे से बड़ा तो कौम का लीडर कोई नहीं अरे जब महाराज रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब जिनका काबुल कंधार तक राज था उनके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए ओए ओ खालिस्तानी में जड़े पाकिस्तान में बैठने वालों टुकड़े कहां से अभी हमारे सिख भाई उनका कतलेआम डॉक्टर का कर दिया कितने सिख भाइयों का कतलेआम कर दिया कहां थे आप गुरु ग्रंथ साहब विराजमान वहां ग्रंथी साहब उनकी बेटी को किडनैप कर दिया कहां थे आप जब ननकाना साहब को काफिर ने कहा क्या कहा था लक्की जी इसका नामो नाम ननकाना साहब का बदल देंगे होते इनकी जमीर होती इनकी जमीर होती इनकी अड़क होते सच्चे सिख गोलियों से बुन जाते हैं उनके परिवारों को सोने के नागरों के साथ मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के सम्मानित करता कहां से ये खालिस्तानी बंदी सिखों की बात करने वाले ये जम्मू कश्मीर के अंदर 40 के करीब सिख भाइयों का कतलेआम कर दिया कहां से लाइन में खड़ा करके कहां से मारते अभी हमारी सिख बहन प्रिंसिपल जो मुस्लिम सिख हिंदू बच्चों को अपने पॉकेट के पैसे से पढ़ाती थी उसको शहीद कर दिया कहां से काबुल के अंदर गुरु महाराज विराजमान इतिहासक गुरुद्वारा साहब बहनों भाइयों को मां को गोलियों का निशाना बना दिया कहां थे ओ खालिस्तानियों तुम कहां थे इनकी जमीर यहां ही दिखती है खालिस्तान बनाएंगे कृपाने निकालेंगे ये सिख कौम का इतिहास है अरे जमीर ना रख अरे जाके आओ पाकिस्तान जा जो जिनसे रोज बातें करते हैं ना फोन पे ड्रोन के जरिए हथियार लेते मारो उनको जाओ मैं अपनी जमीन में बेच के प्रॉपर्टी बेच के आपको परिवारों को सम्मानित करूंगा ये आपकी जमीन है ये बंदी सिखोगी बात करो हमारे महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू शेरे पंजाब का कितने तोड़ा बात करो कहां गुरु ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप किया बात करो ननकाना साहब का क्यों हुआ उसकी तो कोई नक्की की बात नहीं आगे चलो आगे बिल्कुल नहीं पीछे चलूंगा पीछे से चलूंगा नई जनरेशन को बताऊंगा इनके भड़काऊ बयानों में ना आए इन लोगों ने 18-18 साल के बच्चे AK-47 दे के माओ के माल गर्म भाषण दे के उनको मरवा दिया और खुद भी चले गए और हरमिंदर साहब का क्यों ये सिख यही है और कोई सिख नहीं है क्या और कोई सिख नहीं है हम इनका हम खालिस्तान जिंदाबाद की बात करें तो हम सरदार है खालिस्तान की ना बात करें तो सिख नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी हम क्या तुम्हारी परवाह करें हम सिख कौम में पले हैं हिंदुस्तान हमारा है पंजाब थोड़ा हमारा है गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी पांच प्यारे कहां से सजाए गए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सजाए गए इनके कहने पे मान लेंगे हम छोटे से पंजाब में रहना चाहते जब बंदी सिखों की बात आती है बेटा सर ठीक है पंजाब ठीक है पंजाब के सेंटिमेंट को क्या आप समझ पा रहे हैं तेरा कौन देखो अरे मेरी बात तो सीधे सवाल तो लीजिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को एक ज्ञापन देके मांग करती है कि इन बंदी सिखों को छोड़ा जाए कहां बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं ग्राउंड के सेंटीमेंट से पंजाब के ग्राउंड के सेंटीमेंट से अच्छा लो 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 फिर ये मांग कर रहे हैं वो लोग पागल हैं मैगा जी मांग करते हर चीज पॉलिटिकल है सेंटीमेंट की बात सुन लो सेंटीमेंट की बात की ना सुन लो अब केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे पंजाब में मान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे किसको लेके होते रहे सिर्फ बुल्लर को लेके बंदी सिख नहीं बुल्लर को लेके क्या हुआ 90 सीटें ले गए बीजेपी की बात करूं बीजेपी के भी लोग शहीद हुए आरएसएस के भी शहीद हुए कांग्रेस के भी हुए अकाली दल के भी हुए इनोसेंट भी हुए किसी पार्टी में नहीं थे वो भी हुए सोशल भी शहीद हुए सारे लोग शहीद हुए मेरा एक सवाल है अब बीजेपी अपना स्टैंड बदले तो मैं क्या कहूं पर अगर सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं मुझे तो कभी नहीं किसी पत्रकार ने पूछा भी आप भी अपने सेंटीमेंट बता दीजिए बुल्लर के ऊपर तो कहते हैं ये तो डिप्रेशन में आ गया जो मेरे साथ शहीद हुए 38 लोग शहीद हुए 90 के करीब जख्मी हुए आपको पता अगर वो बम आधा घंटा पहले जल जाता तो 600 के करीब लोग बम्बों से उड़ जाते जो मुझे मिलने आए हुए थे मेरा कार्यक्रम आगे पीछे हुआ और वो लोग कहीं चले गए 38 शहीद हुए 90 जख्मी हुए
क्या वो उनके परिवार डिप्रेशन में नहीं है? किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का कोई तकलीफ हो गया और उनके बच्चे दर दर धक्के खाते फिरते अभी तक उनके परिवारों को मैं देख रहा हूं, वो इंसान नहीं है क्या? मैं सवाल आपको पूछना चाहता हूं, आप बंदी सिखों की बात करते, मैं कब गलत कहा, कब स्टेटमेंट दी, कब आपने, अब जो मैंने बोला तब बोला जब रोज ये राजनीति करने लग गए, सारे इकट्ठे हो गए और एक एक दिल्ली का धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार गोरखचोर कहते हैं उसको, गोरखचोर, मैं कभी बोला नहीं, गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया, पूरी दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लूट के ले गया, वो भाषण दे रहा वहां, पता क्या भाषण दे रहा है, लक्की जी सुनिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहता है ये जो कौम की खातर काम किया है ना, ये बहुत बहादुरी का काम किया, मतलब कौम की खातर बेगुनाह लोगों को मारा, 36,000 लोगों को शहीद किया, 19,000 हिंदू भाइयों को मारा, क्या कौम ये बताती है? अगर कौम ये कहती है, अगर गुरु ग्रंथ साहब का पवित्र इतिहास यहां हर धर्म के उसमें समाया है, गुरु महाराज ने पवित्र उन्होंने अगर उसमें लिखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके सवाल पूछना चाहता हूं, मजलूमों की तो कोई बात नहीं करता, आप बार बार एक ही चीज कह रहे, बंदी सिख बंदी सिख, अरे बंदी सिख की बात हम कब बोले, पर रोज हमारे जख्मों पे नमक छिड़कोगे, हम चुप बैठे हैं 15 साल से, रोज हमें कहोगे बिट्टा को मार देंगे, बिट्टा को बंदों से उड़ा, मैं तो कहता चैलेंज करता हूं, अरे मैं मरूंगा ना, मैं विरोध करता हूं ना, मैं मरूंगा, पहले तो विरोध करता ही नहीं था, मैं घर में बैठा हूं, अब आपने छूट छेड़ा है ना, रोज छेड़ते हैं ना, लक्ष्य में छेड़ा है ना, मुझे मारोगे ना, आपकी निगाह पे जो मर्जी गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, पूरी दुनिया में बैठा हुआ हर सच्चा भारतीय ये जरूर कहेगा ये भारतीय सच्चा है, ये राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, क्या होगा, क्या होगा, मौत है ना, मौत मेरी दोस्त है, मौत कई बार देखी मैं, इतने बम्बों से 14 बार हमलों से कई बार जीवन देख लिया मैं, तो बोनस हूं मुझे तो भगवान ने बहुत, गुरु महाराज ने बड़ा जीवन दे दिया, मैं इनको कहना चाहता हूं गंदी राजनीति ना करे, जो काम करना है असूलों पे जाए, कोर्ट पे जाए, ये रोज रोज पब्लिसिटी करके 36,000 बेगुनाहों के जख्मों के ऊपर, परिवारों के ऊपर नमक छिड़कना ये अच्छी बात नहीं है, ये कितने सालों से चल रहा है, अगर कोई मैंने बयानबाजी की लक्की जी 15 साल में तो मुझे अभी पकड़ लीजिए मेरे गले से, मैं आपके हाथ जोड़ दूंगा, मैंने ये गलत कहा है जी, मैंने गलत किया ही कुछ नहीं, मैंने किसी को मारा ही नहीं, मैंने को भड़काऊ भाषण दिया नहीं, मैंने को बोला ही नहीं, अब भी मैं ना, आपने भिंडरा वाले का नाम दिया, मैंने तुम्हें लिया, मैं आग लगाने वाला कभी काम नहीं करता, पर रोज हमें छेड़ोगे, रोज हमें धमकियां दोगे, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी धमकियों से डरता हूं, मारोगे ना ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कर तैयार हो, छाती ठोके दाओ, कहां कहां आऊंगा मैं, आ जाता हूं, रोज धमकियां देते लक्की जी हमें रोज डेली, फिर आप कहते इनको छुड़वाओ, वाय मुझे बताओ ना, मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, रोज धमकियां मिलती है मुझे डेली, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा, 31 साल से प्रोफेसर देवेंद्र पाल बुल्लर जेल में है, उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है ये कहना है, अदालतों ने अलग अलग कोर्ट्स ने सजाओं को कम कर दिया, कम्यूट कर दिए गए सेंटेंसेस, उनको कम होता देखा गया, अब सवाल ही, और अगर इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है केंद्र सरकार से कि आप फैसला लीजिए, तो उस फैसले को आज कितने महीने, एक साल से ज्यादा हो चुका है, केंद्र सरकार नहीं ले रही है, ऐसी परिस्थिति, देखो जी मेरी बात छोड़ो, मेरी बात अभी जेल में रखा, जिसको ये नहीं पता कि उसको फांसी के पहिए पे लगाया जाएगा या नहीं, इस तरीके की मानसिक अवस्था से लोगों को निकाला गया है, अगर 31, 27, 28 साल ये जेलों में रह चुके हैं और इनको आपने कोई वैसी सजा नहीं दे दी, तो फिर उस स्थिति में अगर इनको रिहा भी किया जाए, सजाएं मानते 31 साल 28 साल 27 साल 26 साल जेल में इसको सजा मानते हैं नहीं मानते, लक्की जी मेरी बात सुनो, अगर हम चाहते तो फांसी की सजा हो सकती थी, हम कोर्ट पे विश्वास किया, सुप्रीम कोर्ट के जज सिंघवी ने इसको फांसी की सजा सुनाई, इसके साथ लाहौरिया और एक हरनेक सिंह बप जो दिल्ली में 45 किलो आरडी 40 किलो आरडी एक्ट लेके आया था वो बरी हो गए, देखो हमने कोर्ट में ये डाला, मैंने अभी डाला कोर्ट में पहले नहीं, अब मैंने डाला कोर्ट में, हमने ये डाला कि जो रोज शोर मचता है कि ये मेंटली अपसेट है, ये बिल्कुल मेंटली अपसेट नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है, पहले शीला डिस्ट्रिक्ट ने इसको कुछ धर्म के नेताओं के कहने पे जेल से बाहर करके अस्पताल कर दिया, फिर बाहर से करोड़ों रुपया फंडिंग आई, आपको बताऊं 80-90 करोड़ रुपया बुल्लर को बचाने के लिए लग चुका है, कनाडा अमेरिका जर्मनी पाकिस्तान से पैसा आया, अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक टाइम की 20-20 लाख रुपया दे रही है, एक टाइम की एक घंटे की फीस, ठीक
हमने कोर्ट में क्या डाला, इंक्वायरी करो, डॉक्टरों का बोर्ड बनाओ, कौन कौन से डॉक्टर थे, किसने पैसा खाया। मेरे ऊपर आज ब्लास्ट होता, एक दिन मेरी पहले सुरक्षा हटती है, एक महीने से रेकी करके जनपद होटल में ठहरे होते हैं, मेरी एक दिन पहले सुरक्षा को हटी, कौन था इसके पीछे ये हमें बताए। ठीक, उसके बाद इसको फांसी से बचाया जाता है, फिर केजरीवाल जी चिट्ठी लिख के भेजते राष्ट्रपति को, इसको फांसी से बचा दो, चलो। उसके बाद फिर सरकार बनती, इसको पंजाब में भेज दो, पंजाब में भेज के फिर इसको प्रोल पे, जेल में नहीं आया जाता, सीधा हॉस्पिटल में प्रोल पे छोड़ दिया जाता है। फिर कैप्टन साहब आते हैं, दिल्ली चिट्ठी लिखते हैं, इसको परमानेंट छोड़ दो। वाय को मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से भी को प्यार से बात कर लेता, मेरा भी को दुख सुन लेता, उन शहीदों का दुख सुन लेता जो मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, 90 जख्मी जो शहीद हुए उनका दुख सुन लेता, जगराओं के अंदर ट्रेन से निकाल के इसने हिंदू भाइयों को शहीद किया, गाजियाबाद के अंदर इसने कई लोगों को मारा, एक वारदात की बुनर में, और एक उन परिवारों को भी पूछ लेते। लक्की जी आप तो एक तरफा ही चलते जा रहे, वाह बेटा साहब आप अपनी बात को, नहीं नहीं अब मेरी बात सुनिए, मैं सहमत नहीं हूँ। आपसे मेरी आपसे मेरी फोन पे बातचीत हुई थी, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, और वो मानवता के आधार पर, ये सारी बात मैं ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कर रहा हूँ, कोई मैं तर्क देने की या किसी को आउटस्मार्ट करने का प्रयत्न नहीं है, बात सिर्फ मनुष्यता की बात है। अब मुद्दा मेरी एक बात समझिए कि देवेंद्र पाल भुल्लर जो कि आपके केस में जिन्होंने कि उस बॉम्ब को, वो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने आपके ऊपर जो दिल्ली में बम लगा था, केएलएफ का वो था, हरनेक बाप उसमें साथ थे, उसमें दया सिंह लाहौरिया साथ थे, उसमें कई और लोग शामिल थे, उनके पिता को, उनके रिश्तेदारों को उठा के बाद में टॉर्चर किया गया, आज तक उनके लोगों को पता नहीं चला। बलवंत सिंह मुल्तानी का केस चल रहा है, उनके परिवारों के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। हम तो मैंने तो नहीं कि वो लोग लक्की जी, मैंने तो लक्की जी मेरा उसमें क्या तलक, मुझे बताइए ना, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी का इनकाउंटर कराया, मैंने किसी पे केस रजिस्टर कराया, मेरे साथ जो 38 शहीद हुए उन्होंने क्या बुल्लर का कोई नुकसान किया, परिवार का, जो नखमे 90 जख्मी हुए उन्होंने नुकसान किया, अरे हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं, और कहते उनका ये हुआ, अरे हुआ तो वो अपना सैनिक का केस चल रहा है, वो देखे मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया, मैंने किसको गोली मारी, मेरी तो कोई बात ही नहीं, बात तो हम उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग, जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया, मैंने कोई वोट बांट नहीं लेनी। लेकिन लक्की जी सुनो, मैं हूं स्पष्ट आदमी, ना मैंने इलेक्शन लड़नी ना मैंने वोट लेनी, ठोक के बोलू, अगर धमकी देंगे ना मुझे रोज हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, इनको गलत फहमी है, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं कोर्ट में जा सकता हूं। और सुनिए, मैं 4 महीने का टाइम दिया पंजाब के इन नेताओं के धर्म के ठेकेदारों को, अगर आप ऐसे बोलते रहे, इन लोगों पे राजनीति करते रहे, केजरीवाल के खिलाफ भी बोलते रहे, वोटे क्या, वोटे को वोटों का असर हुआ, आप कहते ना लोगों के सेंटीमेंट को फर्क पड़ा, आप भी करके देख लो कितना वोटों का आपको फर्क पड़ेगा, ना पहले कांग्रेस को फर्क पड़ा ना किसी और को फर्क पड़ा, आप भी देख लो। मैं एक बात कह दूं, 10,000 कम से कम फैमिली, 36,000 है ना, 10,000 फैमिली लेके ना अगर नहीं हटे, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं परिवारों के टच में होना शुरू कर दिया, 10,000 फैमिली लेके सुप्रीम कोर्ट में PIL डालूंगा। याद रखना, ये है ना, गुरदासपुर के सबसे पहले पता नहीं कौन सबसे खतरनाक आतंकवादी था, जितने भी टेररिस्ट छोड़े हैं ना इन्होंने बेगुनाहों के कातिल, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछेंगे, परिवार इनको क्या सजा मिली, कैसे छूटे, एजेंसियों का क्या रोल था, पार्टियों का रोल था, किन किन अफसरों का रोल था, क्यों इनको छोड़ा गया, क्यों बाहर से लाया गया, अरे इतने आतंकवादी हैं हम कभी बोले, आप बताइए। अब गुरु नानक देव जी महाराज दिन के ऊपर करतारपुर साहब में नरेंद्र मोदी जी ने खतरनाक टेररिस्टों को छोड़ दिया, मेरी आवाज निकली, लक्की साहब मुझे बता दीजिए, मैं बोला नहीं, ठीक है गुरु नानक देव जी महाराज ने टाइम पे कर दिया, अरे सब कुछ कर दिया, अब धीरे 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 सबको निकाल करके नए तैयार हो रहे हैं, फिर वो बंदी सिख वो बनेंगे, सिख कौम को वो बदनाम करेंगे, फिर वो बनेंगे, तो यही चलता रहेगा। अरे कोई पहले डिसाइड करो, आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर मीटिंग करो, अकाल तख्त के जथेदार साहब वहां बैठे और कहे, जो किसी के हथियार पकड़े जाएंगे वो सिख कौम की पहाड़ी के ऊपर पूरी दुनिया में दाग लगाएगा, ये आतंकवादी है, ये बेगुनाह होकर कातिल है, हम उसका साथ नहीं देंगे, क्या ये फैसला करेगी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी? पूछना चाहता हूं आपसे, आप बंदी सिखों की बात करते, वो बंदी सिख बनने के लिए फिर तैयार खड़े, उसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, ठा ठा कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी बोल रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या ये गुरुद्वारा नहीं, क्या ये गुरुद्वारा सालों में, इतने सालों में आपको पूछा नहीं गया, आपको पार्टी नहीं बनाया गया। आज भी मैंने जितनी भी चर्चाएं की हैं उसमें मैंने सभी नेताओं से या सभी लोगों से यही सवाल किया है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको इस पूरी कोशिश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। तो क्या ये बड़ा कारण है कि पीड़ित पक्ष के बारे में कोई बात नहीं कर रहा और एक तरफा राजनीति के कारण ये सब हो रहा है, इसीलिए आपकी ज्यादा दर्द ज्यादा है? देखो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, मैं फिर कहूं, नरेंद्र मोदी जी ने छोड़े, हम बोले तो नहीं 15 साल में, हम बोले तो नहीं। पीड़ित परिवार को पूछने को तैयार नहीं, 84 के दंगों वालों को पूछने को तैयार नहीं। 84 के दंगों पे भी पॉलिटिक्स हुई, पंजाब के ऊपर भी पॉलिटिक्स हुई, ठीक। आप उन परिवारों की बात कौन करेगा? मैं फिर कहता हूं, जो हमें मां बाप ने सिखाया, से कौम मजलूमों के लिए सजाई गई, मजलूमों के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ठीक है ना, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी को, महाराज को ऐसे नहीं कहते थे। आपने मजलूम क्यों मारे, इनसे को सवाल पूछेगा, इनसे सवाल पूछेगा, माओ के लाल जिनके हाथों में AK-47 पकड़ाई, आपने क्यों पकड़ाई? आपको उस युवा पीढ़ी को धर्म प्रचार के लिए, धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए लगाना चाहिए था, जवानी अभी उभरी नहीं, आपने उनके हाथ में AK-47 पकड़ा दी, क्या कराया आपने? मजलूमों का कतलेआम कराया, उसके आप उसके ऊपर को बोलने को तैयार नहीं? मैं इसलिए बोलता हूं, मैंने मरना है देश के लिए, मैंने मरना, इस पानी को दागने लगे मरना है, पूरी देश को बताना है, सारी पगड़ी रैसी नहीं है, बड़े पवित्र लोग हैं पंजाब के बाहर और पंजाब के अंदर भी, हमें बताना है, ये करे गंदी पॉलिटिक्स, ये करे धर्म की पॉलिटिक्स, करे क्योंकि इनको वोट चाहिए, इनको पैसा चाहिए, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझे राष्ट्र चाहिए, और ये पानी के ऊपर दाग ना करे। अरे वो सरदार जिन्होंने फलाने को मारा था, जिन्होंने सिद्धू बॉर्डर पे लटका करके काट दिया था, सारे सरदार ऐसे नहीं है, सरदार मानवता के रक्षक हैं। आप देखिए तो सही, जरा जाके पूना के अंदर आप देखिए तो सही, अहमदाबाद के अंदर आप देखिए तो सही, बॉम्बे के अंदर दसों नोआ की कमाई से गुरुद्वारा से छाप सजाए, आप देखिए कनाडा के अंदर, आप देखिए अमेरिका के अंदर, आप देखिए जर्मनी के अंदर, दो तरह के गुरुद्वारा साहब है लक्की जी, वहां पे एक है बेगुनाहों के कातरों की तस्वीरें, गुरु ग्रंथ साहब नीचे विराजमान अपमान, एक है गुरु महाराज गुरु रामदास गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गुरु नानक देव जी महाराज उनके साहबजादों के स्वरूप नीचे गुरु ग्रंथ साहब दसों लोगों की सजाई से सजाते हैं। ये सिख कौम का इतिहास है, सिक्खी को प्रफुल्लित करना, ये सिक्खी को प्रफुल्लित करने का काम कर रहे हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, प्रफुल्लित करने का काम कर रहे हैं, जितने जो गाली देनी दे परवाह नहीं करता मैं, पर सिख कौम को बदनाम नहीं होने दूंगा, हिंदुस्तान को कभी बदनाम नहीं होने दूंगा, हिंदुस्तान एक है एक रहेगा। खालिस्तान से मेरी को बहस करना मेरा चैलेंज है, कर ले, क्या हमें पासपोर्ट के जरिए पंजाब से बाहर ले जाना चाहते हो? सवाल पूछना चाहता हूं, किन लोगों ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था? वो सवाल का जवाब कौन देगा? कांग्रेस के नेताओं कौन कौन थे जिनकी गलतियों से पंजाब में टेररिज्म आया? इंटेलिजेंस एजेंसियों का सेंटर का क्या रोल था जिनको यह नहीं पता था हम गुरुद्वारा साहब में दखलंदाजी कर रहे हैं और इसके नतीजे भुगतने पड़ेगा? आज का भुगतें, पहले टेररिज्म ने मारा हमें, हमारे जवानी बर्बाद की, फिर नार्को टेररिज्म ने बर्बाद की, और अब क्या हुआ? पीछे पंजाब की मिट्टी बेच खाई पंजाब के पॉलिटिशियनों ने। दंगों में मैं नहीं मारा जा रहा था, मेरे सिर पे पड़ना था पीले रंग का, मेरे साथ अमृतसर का लखा सिंह एमएलए, उसका एक एक पीए हिंदू ना होता, ना लखा सिंह जिंदा होता, ना मैं होता छारदरा के अंदर, हमारी ट्रेन को आग लगाने लगे थे, हम चाय लेने गए बार, अरे सरदार सरदार, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अंदर चले गए, बोकी बंद कर ली और आगे चले गए, बाद में निकले, अरे सरदार कहां चला गया? कहते आगे चला गया, हम उसके पीए ने बोला हिंदू भाई था, उसको छोड़ दिया, कहते ट्रेन को आग लगा दो, भगवान की कृपा से ट्रेन चलेगी, हम ना बंबों से बचते ना इस जंगलों से बचते। मुझे पता जिंदगी की हकीकत क्या, ये जितने भी लोग ना, ये धर्म के ठेकेदार और ये पॉलिटिशियन, इनको वोट चाहिए, इनको धर्म नहीं चाहिए, गुरु साहबान का अपमान हो जाए कोई लेना देना नहीं। मुझे एक चीज बताइए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज हरमंदर साहब के अंदर एक कमीना काफर घटिया आदमी, अरे पहली बार अंदर जाके गुरु ग्रंथ साहब के पास पहुंच गया, क्या देश की जनता के कौम के सामने क्या कोई तस्वीर सामने आई? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बम गोलियां छोटी चीजें, परवाह नहीं, चले जाएंगे दुनिया से परवाह नहीं, अरे गुरु ग्रंथ साहब अपमान हुआ क्या कुछ हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बरगाड़ी केस क्या कोई इंसाफ मिला? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हरमंदर साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी,
मुझे लक्की जी आपको जवाब देना होगा, कहां गया वो मुद्दा? जिस शख्स ने आप, क्योंकि आप राजनीति करने की बात करें, जिस शख्स ने वो बेदबी की श्री दरबार साहब में घुसकर, उस शख्स को कुछ मिनट में वहां पीट पीट के मार दिया गया, और उसके 10 दिन बाद एक इश्तेहार एसजीपीसी ने निकाला कि इस शख्स की शिनाख्त जो आदमी कर देगा, यानी कि ये बता देगा ये शख्स कौन है, उसको 5,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। यानी कि बंदे को पकड़ के मारने के बाद आप उसका पता शिनाख्त पूछ रहे हैं, ये हुआ उसके साथ? मैं बताता हूं ये गुनाहों का कत्लेआम करने वाले उसकी फीस मुकुल रत्तोगी, अभी मेरे केस में पेश हुआ मुन्नर के हक में, 20,00,000 रुपया एक घंटा। ठीक, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां की इंटेलिजेंस एजेंसियां, यहां की सीआईडी, यहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यहां की सरकारें पंजाब की, गुरु ग्रंथ साहब को अकेला छोड़ दिया? पहले लुच्चा सौदा ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, गुरु गोविंद सिंह महाराज की पोशाक पहन करके, उनके साहबजादों का अपमान करके, पांच प्यारों का अपमान करके किया। कौन बोला लक्की जी? मुझे, मेरे जैसे पापी सिख को, गुनाहगार सिख को सेवा मिली, आपके चैनल में आके चैलेंज किया, अकेला खड़ा रहा। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी रही? कांग्रेस खड़ी रही, अकाली दल खड़ी रही, आम पार्टी तो आप आई, कौन सी पार्टी खड़ी रही? ये एमएस बिट्टा पापी गुनाहगार सिख, उसने मेरे पे कृपा की, उसके जाके सिरसा के अंदर अकेला चैलेंज करके, बड़ी कन्वेंशन करके आया मैं, और उसके बाद एक योद्धा, संत समाज का एक योद्धा, जिसको मैं हमेशा सिर झुकाता हूं, डडरिया वाले साहब, ये तो पॉलिटिक्स करते रहे वोटों के लिए, जाके सिख धर्म का, सिखी जी को प्रफुल्लित करने का, सिरसा में जाके लाखों लोगों की भीड़ कट्ठी करके गुरु महाराज का वहां पाठ हुआ और सिखी को प्रफुल्लित किया। मुझे बताओ उस वक्त कहां थे ये? मैं आप तो गवाह हैं, आपने मेरी लुच्चे सौदे के खिलाफ इंटरव्यू दी, लुच्चा सौदा जो मेरा नाम है किसी का दिया, जी इनको पूछोगे ना ये अभी सच्चा सौदा कहेंगे, मार मार चूते इसको ठीक कर दे। कहां थे ये? बम चलाते रहे रस्ते में करनाल में, और हम जवान से लड़ते रहे आखिरी सांस तक, और उसके बाद लुच्चे सौदे के खिलाफ बोला, मेरी एनएसजी हटाई गई। आपको पता ब्लैक कार्ड कमांडो होते थे, कई बार इंटरव्यू ली, लुच्चे सौदे के कहने पे हटाई गई, पर हम पीछे तो नहीं हटे। जहां कौम का सवाल आ जाए, जहां पगड़ी का सवाल आ जाए, हम खड़े होते, पर जब पगड़ी पे दाग लगने का सवाल आ जाए, पंजाब के बाहर के सिखों की जिंदगियां खतरे में आ जाए, एमएस बिट्टा खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये जो करना करते रहे, पर दुनिया का बताऊंगा, ये चार लोगों के कारण पूरी सिख कौम बदनाम नहीं हो सकती। सिख कौम 2 करोड़ नहीं है, सिख कौम दुनिया में राज करती, हिंदुस्तान में राज करती है, और इज्जत से राज करती है, और हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और हरमंदर साहब नमस्तक करके बताता है कि हम सिख समाज के ऊपर सिर झुकाते हैं। सिख समाज की बड़ी कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां पुराने इतिहासों को बता करके, ये कुर्बानियां बताना चाहते हैं, इनको पूछना चाहता हूं। को हर गोविंद सिंह महाराज का नाम लेता है, कुल गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेता है, गुरु तेग बहादुर जी का नाम लेते, अरे उनके तो कर्म थे, उन्होंने शहादतें की, कुर्बानी दी देश के लिए, कौम के लिए, मजलूम बेटे शहीद कराए, उन्होंने धर्म प्रचार किया, सिख संगत ऐसी बनाई, सिख कौम ऐसी बनाई, तो मुझे बताइए उनके तो कर्म थे, क्या हमारे कर्म ये हुए? उन्होंने मजलूमों को बचाया, हमने मजलूमों को मार दिया, क्या किस कौम में खड़ा रख रहे हिंदू भाइयों को मार दो? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप तो बात छेड़े ना छेड़े, अकाल तख्त के जथेदार साहब, पहली बात तो मेरे बयान पहले सुन लीजिए, जो पहले बोला हूं, अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज है। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने कई बार बंदी सिखों को, बुल्लर को छोड़ने के लिए, हवारा को छोड़ने के लिए कई बार बातें की। हमारा बिल्कुल ये असूल है, गुरुद्वारा कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब हो या अकाल तख्त के जथेदार साहब हो, हमारा सिर उनके लिए झुकता है, हमारी वो पार्लियामेंट है, हमने कभी भी विरोध नहीं किया, हमने कहा हम अपना केस लड़ेंगे, पर अकाल तख्त के जथेदार साहब कोई हो, हम उनके खिलाफ अपने मुंह से, कोई जबान से ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। आज जो उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कुछ बातें तो बहुत ही पवित्र और अच्छी कही, कि धर्म प्रचार, नई जनरेशन को धर्म के बारे में ज्ञान देना, निशानेबाजी जिससे कौम का पुराना इतिहास है, कृपाण चलाना जिससे कौम का पुराना इतिहास है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, पर आखिर में अकाल तख्त के जथेदार साहब
थोड़ा सा पगड़ी के ऊपर बात आ गई, लसनसी हथियार खरीदो, बढ़िया हथियार खरीदो। मैं एक पूछना चाहता हूं, हथियार किस लिए खरीदो? किससे खतरा है हमको? कौन सी सरकारों से खतरा है? मोदी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, आरएसएस से खतरा है, कांग्रेस से खतरा है? मोदी वो जिसने करतारपुर साहब खोला? मोदी वो जिसने बेगुनाहों के कातिल आतंकवादी भी छोड़ दिए, हमने विरोध नहीं किया? मोदी वो जिसने बद्रीनाथ केदारनाथ, पीछे गुरु महाराज का पवित्र स्थान हेमकुंड साहब, कहा बद्रीनाथ केदारनाथ भी बनेगा तो हेमकुंड साहब की भी सड़कें बनेंगी, जहां हर यात्रु को गिर जाता, को एक्सीडेंट हो जाएगा, उसने सिख, जिसने वो मोदी जिसने अभी चांदनी चौक के अंदर, लाल किला के अंदर पहली बार गुरु तेग बहादुर महाराज जी का वो पवित्र स्थान वहां लाल किला में सजाया, लाखों की भीड़ हुई, हम उसको नहीं छोड़ते? ये चंद लोग उनको भी नहीं छोड़ते, ये अकाल तख्त साहब के जथेदार को भी नहीं छोड़ते, ये केजरीवाल को भी नहीं छोड़ते, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नहीं छोड़ते, ये बादल साहब को भी गाली देते, ये मुझे भी गाली देते। अरे फिर क्या करें? किसी को तो बाद लोगों को बताना पड़ेगा, कौम की अगवाई कौन करेगा? पहले तो ये बताओ, अभी बंदी सिखों पे अलग अलग हो गए, ठीक, दिल्ली अलग, पंजाब अलग, सब अलग हो गए, कौन से अलग अलग हो गए? पहले एक तो हो जाए, ये रोज सिद्धू बॉर्डर पे लटका देते, कभी कहते खालिस्तान बनाएंगे, कभी कहते मोदी को मारेंगे, कभी कहते इंदिरा गांधी को मार दी। अरे कौम को लेके कहां जा रहे हैं? कितने वर्षों से कौम को प्रफुल्लित कितना किया? दूसरी बात सुनिए, ये कहते ना हम 2%, हम कहते ना हम खालिस्तान बनाएंगे, इस 2% को हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया? मैं बताऊं, हिंदुस्तान के दिलबाग सिंह पहले डिफेंस मिनिस्टर आजादी के बाद, हिंदुस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति 2% को ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह और अभी पुरी, और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ 71 की जंग के हीरो कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा, अर्जुन सिंह, एयर मार्शल चीफ काम थे, दुश्मन काम थे बॉर्डर पार, उनको दिया, कभी फर्क तो नहीं समझा? जे सिंह आर्मी चीफ, विक्रमजीत सिंह आर्मी चीफ, मेरे के कई ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कुलदीप सिंह, अरे ये कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? 2% को दिया, नहीं देखो 2% को दिया। मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह 2% को दिया। अरे हम क्या करें, हम पंजाब के वाए 10 साल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दिया भाई। अरे इनको इनको कौम नहीं, इनको कौम का लीडर नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा? लेकिन जो चीज पंजाब को नहीं मिली उसमें चंडीगढ़ शामिल है, पंजाबी बोलते इलाके शामिल है, पानी शामिल है, मुद्दे तो कुछ नहीं दिए ना, जो दिया वो तो व्यक्तियों को दिया, देखो अगर आप कहते हैं कि सुनो आर्मी के फौजी, वो ठीक बात है आपकी, मेरी गल सुनो, हमको मिला है, लेकिन जिन बातों पर गतिरोध था, आनंदपुर साहब का मता था, जो फॉल्ट लाइन थी, जो डिमांड थी पंजाब की, वो पूरी नहीं हो पाई, इसी कारण हमने धर्म युद्ध मोर्चा होता हुआ देखा, फिर ऑपरेशन रूस्ट आ रहा, उसके बाद भी वो आज तक वो जिंदा है, आज भी चंडीगढ़ में के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से अफसर हैं चंडीगढ़ में, पंजाब के हरियाणा के कम कर दिए गए हैं, चंडीगढ़ की जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, उनके कर्मचारियों पर कौन से कानून, ये चीजें भी जिंदा है, तो असली चीजें नहीं होती, तो ये भाव है, जो चीजें नहीं मिल पाई है, जो पंजाब को नहीं मिल पाया है, जो मुझे बताओ क्या ले लिया? पंजाबी सूबा ले लिया। मैं आपकी बात का एक एक का जवाब दूंगा, मैं किताबें कदूबे नहीं पढ़ी, पंजाबी में जो सही है वो जवाब दूंगा। नहीं सही बात मैं कहूं, आपने तो बातें सही कर दी, जवाब ले लो। इन्होंने हरियाणा कहां चला गया मुझे बताइए? पंजाब से ले लिया छोटा सा सूबा पंजाब, अब चले जाइए गुड़गामा, अगर कोई कह दे ये हरियाणा का हिस्सा पंजाब से निकला, कहेंगे ये तो कनाडा अमेरिका है, दुनिया से लोग आके व्यापार करते हैं। आप चले जाइए करनाल, आप चले जाइए रोहतक, आप देखिए वहां की सड़कें, आप देखिए वहां की इंडस्ट्री, आप देखिए वहां का व्यापार। हमने क्या किया? हमने पॉलिटिक पहले बताओ, हमने पॉलिटिशियनों ने किया, पंजाब की मिट्टी बेची कि नहीं बेची? पंजाब की मिट्टी च पड़े हैं असि, पंजाब की मिट्टी बेच के पंजाब के मंत्री, पंजाब के पॉलिटिशियन खा गए, और 75,000 एकड़ जमीन, मैं हैरान हो गया सुन के, 55,000 एकड़ जमीन लोकी खा गए पंचायत की, ओ हो है, पंजाब की मिट्टी खा गए, नहरें सुखवा दी उन्होंने, नहरों में वही नहरें हैं पंजाब की, अमृतसर की, ऊपर से छलांग लगाते थे उधर से निकलते थे सूखी नहरें, मैंने तो अपनी जिंदगी में बचपन में सूखी नहरें नहीं देखी। पंजाब की जवानी, पंजाब का किसान,
किसान दो एकड़ जमीन बेचारा बेच करके अपने बेटी बेटे को बच्चों को फॉरन भेज रहे, बेचारे मुसीबतों में क्यों भेज रहे हैं फॉरन में। हम नार्को टेररिज्म लाए, हमने नार्को टेररिज्म ठीक किया। अमरिंदर सिंह जी ने बठिंडा में गुरु ग्रंथ साहब की शपथ ली थी ना, और साथ में सब पापी खड़े थे, नीचे जूते थे इनके जूते। पॉलिटिक्स गंदी होती है, वहां हरमंदर साहब पे गुटका साहब ले गए, वाह बड़ी वाह, गुरु ग्रंथ साहब ले गए और लोगों को बेवकूफ बना के शपथ ले ली। हम नशा खत्म करेंगे, कौन सा नशा खत्म हुआ बताइए? क्या मंच पे बसने वाला हर एक आदमी पापी गुनाहगार था, वहां जूते थे, वहां गंदगी थी। पहला अपमान गुरु ग्रंथ साहब का वहां पे हुआ। क्या किया? लूट के ले गए पंजाब, विदेशों में ले गए पंजाब, विदेशों में ले गए कनाडा, विदेशों में ले गए, बाहर ले गए, पाकिस्तान में ले गए पंजाब की, खून निचोड़ निचोड़ के ले गए। कौन से पंजाब की बात करते हो बताइए, मुझे जवाब दीजिए। लूटा कि नहीं लूटा इन्होंने? और वो खरब रुपया लूटा कि नहीं लूटा इन्होंने? पंजाब की जवानी तबाह कर दी, पंजाब लूट के ले गए, पंजाब की नहरें सुखा दी, पंजाब की मिट्टी खा गए, पंजाब में पॉलिटिशियन बिल्डर माफिया बन गया, किसी ने अकेले बैठ जाएंगे। अरे छोटू छोटू से लड़के अमृतसर में देखो, हजारों करोड़ों की जमीनें ले ली, कहां से आई भैया जमीनें? और मेंबर पार्लियामेंट कई मंत्री उनके साथ में उनके पार्टनर है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना ली। अरे पॉलिटिशियन का क्या, हम भी पॉलिटिशियन रहे, हम भी मंत्री रहे, हमें तो पता ही नहीं बिल्डर माफिया क्या होता है, हमें तो पता नहीं मंज माफिया क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता, हम इस तरफ गए ही नहीं कभी। आज उठो, हजारों करोड़ पंजाब, पंजाब में पल्ले कुछ नहीं हमारे, कर्जाई हिंदुस्तान की सरकार के, तबाह कर दिया हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पंजाब के पॉलिटिशियनों ने, पुलिस के अधिकारियों ने तबाह कर दिया हमारा पंजाब, हमारी जवानी तबाह कर दी। मैंने वो पंजाब देखा है बचपन का, उसकी कोई बात नहीं करता, पंजाब तबाह करके उसकी कलड़ी उखेड़ के लगे। जो पंजाब की मिट्टी बेच जाए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन पंजाब की मिट्टी बेच जाए तो पंजाब का कौन रखवाला होगा? आप चंडीगढ़ की बात करते, ये तो चंडीगढ़ को उखेड़ के भी पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। पहले पंजाब की बात कीजिए, मिट्टी किसने खाई पंजाब की मिट्टी? हिंदुस्तान से दुनिया से गल होगी, उनको बताओ ना पंजाब की मिट्टी, पंजाब की मिट्टी ऐसी खाई निकाल निकाल के, ट्रेन चलती ना ट्रेन ऐसे चक चक कर दे तो आले दुआले जो गाल है ना वो भी कांपने शुरू हो जाते, उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता। हमने किया क्या 20 साल में पॉलिटिशियनों ने क्या किया बता दीजिए, किसने चंगा कर्म किया बता दीजिए, किसने नहीं लूटा पंजाब को बता दीजिए, एक ने लूटा है पंजाब को, पॉलिटिशियनों ने लूटा है। अरे 55,000 एकड़ जमीन पंजाब की, उसके ऊपर पंजाब की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, गरीबों के ऊपर कब्जा कर लिया, उसकी कोई चर्चा करने वाला नहीं 55,000 एकड़। अभी भी मैं सोचता हूँ कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये पंजाब साहब आप बहुत है? बोल रहे हैं आप 55,000 एकड़ बोल रहे हैं, ये लाखों एकड़ जमीन है, 55,000 एकड़ लाखों। और पंचायत मंत्री स्टेटमेंट दे रहा है, कौन सब सरकारें रही पंजाब के अंदर, हम भी मंत्री रहे हमारे टाइम पे, मेरा ख्याल ऐसा नहीं था। हमने पता कौन से मंत्री देखे लक्की जी? हमने देखे मंत्री चौधरी जगत राम, हमने देखे पांडे साहब, हमने संतोख सिंह रंधावा वो शख्स था जिसकी पगड़ी पे दाग नहीं था, हमने वो देखे क्या मंत्री होते थे, देख के लगता था जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी होगी इन्होंने उस वक्त। आज मंत्री इतने साल रहे, पंचायत मंत्री के इतने साल रहे, पॉलिटिशियन रहे, हमने पंजाब को क्या दिया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमने पंजाब को नोच नोच के खाया है, हमने पंजाब की जवानी को खाया, हमने पंजाब की जवानी को बर्बाद किया है, हमने पंजाब की जवानी को विदेशों में मां बाप से दूर भेजा है, बाप मां बाप दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे अपने मां बाप को नहीं मिल पाते, ये पॉलिटिशियनों ने पंजाब में किया है। लाओ मेरे सामने पॉलिटिशियनों को लूटा है या नहीं लूटा, करो इनकी इंक्वायरी करने को है पंजाब। देखा ना योगी, ये योगी आपके यूपी के अंदर खरोच खरोच के निकाला प्रॉपर्टी, हम मारो इनकी प्रॉपर्टियों को, सरकार को दो। जो दंगे कराता है ना यूपी के अंदर, क्या कर दंगे कराता है ना, कहते इसकी प्रॉपर्टी ले लो। करे पंजाब के अंदर किसने लूटा पंजाब को पिछले 25 सालों पे, किसने लूटा पंजाब को? पाकिस्तान में पता कितना पैसा गया, दुबई में पिछले समय पे कितना पैसा गया, और पाकिस्तान हमारा पैसा लूट के ले जाए, पाकिस्तान से को आए पंजाब को लूट के ले जाए, पाकिस्तान में पंजाब की कांग्रेस की टिकटें डिसाइड होगी, जो कई साल पहले कह दिया था मैंने। अरे लक्की जी आप पंजाब की बात करते, कौन से पॉलिटिशियन ने पंजाब को नहीं लूटा?
बताइए मुझे, नोच नोच के पंजाब को नहीं खाया, किसी ने फार्म हाउस बना लिए, किसी ने होटल बना लिए, किसी ने दुबई होटल बना लिए, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में बना लिए, और पंजाब में फिर हम पंजाब के हित में है जी, हम चंडीगढ़ चाहते हैं जी। पहले आपने जो प्रॉपर्टी पंजाब से लूटी, पंजाब का पैसा नोच नोच के खाया, विदेशों में भेजा, लाओ सारा यहाँ पे, लाओ पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, फिर आओ चंडीगढ़ की बात करते हैं, पहली कुर्बानी मैं दूंगा, पहली कुर्बानी में लाओ पैसा। ड्रामा बना रखा पंजाब को, हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया, मैं गया चेन्नई, मैं गया केरला, मैं गया मध्य प्रदेश, मैं गया राजस्थान, देखो जरा जाके, देखो जरा जहां वहां के कारोबार लोगों को, व्यापार देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस देखो, पंजाब में है क्या जो उठा है, जो पॉलिटिशियन उठता है, बिल्डर माफिया, लैंड माफिया, माइन माफिया, शराब माफिया, वाह भाई वाह। अरे कौन ठीक करेगा पंजाब की जवानी को, कौन बचाएगा, नार्को टेररिज्म के ऊपर हमारी जवानी तबाह हो रही है, उसको कौन बचाएगा? क्या पंजाब के पॉलिटिशियन एक मंच पे इकट्ठे होंगे कि हम पंजाब की जवानी को बचाएंगे? कोई होंगे? कोई नहीं है। कोई जाके वहां पे गुरु ग्रंथ साहब की बेटी बड़काली केस के अंदर वहां जाके पॉलिटिक्स शुरू कर देते, धर्म की ठेकेदारी को चंद लोग शुरू कर देते, और कहते हम धर्म के ठेकेदार, सिर पे वाल नहीं ऊपर पगड़ी, अरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हैं। चलिए बेटा साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम बंदी सिंहों से मुद्दा शुरू हुआ था, तो इस मुद्दे पर आपका क्लियर स्टैंड, और आपने जिक्र किया था कि आप अदालत में भी जा सकते हैं इसके खिलाफ, तो आपको क्योंकि किसी परिवार ने या किसी बंदी सिंहों के परिवारों ने, ये जो पंथिक कमेटी बनी है, क्योंकि इसने आप लोगों से या विक्टिम से संपर्क नहीं किया, ऐसी कोई गुंजाइश भविष्य में बन सकती है, जबकि अगर ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बात करें तो बैठ के बात हो सकती है इस मुद्दे पर? देखो जी, ये देते मुझे धमकियां, और इनकी धमकियों का मेरे पास एक ही जवाब है, अगर मैं चुप हूं, गुरु नानक देव जी महाराज के जो दिन के ऊपर, करतारपुर साहब के शुभ दिन के ऊपर मोदी साहब ने बेगुनाहों के कातिल छोड़े, हम नहीं बोले। मैं फिर जवाब दूंगा, 15 साल में बोला हूं तो आप जवाब दे दे, आपने मेरी कई इंटरव्यू ली है, पंजाब में आग लगाई तो मुझे बता दीजिए। ये देते रोज हमें धमकियां, पहले इसकी टांगे तोड़ी, अब इसको उड़ा देंगे उनको। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक बात मेरी समझ लो, मैं तो दुनिया से चले जाऊंगा, बुल्लर का हाल देख लेना, ये बिट्टा है मर जाएगा ना, अपनी प्रॉपर्टी पूरी वकीलों के नाम करके रखी है मैंने, पूरा हिंदुस्तान आपके खिलाफ केस लड़ेगा। धमकी मत देना कभी हमें, हमें धमकियां मिलती है लक्की जी मारने की डेली आप देखो ना, आप पे बोल रहा हूं ना मैं, ये जितनी धमकियां देंगे मैं सब लूट करूंगा, और इनकी धमकियों की लिस्ट मैं कोर्ट में अदालत में लगाऊंगा, और ढूंढूंगा ये कौन कौन से धमकियां देने वाले। ये अगर हम अमेरिका जर्मनी से पकड़ के कनाडा से ला सकते हैं ना, ये दया सिंह लाहौरिया और बुल्लर, और बुल्लर के साथ एक और औरत थी सूद लाहौरिया के साथ, इनको भी लाएंगे, याद रखना, मैं तो दुनिया से चले जाऊंगा। ये धमकियां देने वालों याद रखना, आपकी पूरी लिस्ट निकाल के ना आपके चैनल की ये कोर्ट में दूंगा, कि मेरे जाने के बाद ये जरूर देख लेना कि ये कौन लोग थे। अरे प्यार से बात करो, डिसिप्लिन से बात करो, आपने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, आप किसी को डरा सकते हैं, आप मुझे नहीं डरा सकते, मैं प्यार का आदमी हूं, आप मुझे धमकी से नहीं कभी डरा सकते। अगर आप सरदार हैं, मैं भी सरदार हूं, हां मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने मजलूमों की रक्षा की है गुरु महाराज की सोच के ऊपर, मैंने लुच्चे सौदे के खिलाफ जंग लड़ी है सच के ऊपर, मेरी पगड़ी पे जब किसी ने आंच उठाई, अभी जोधपुर में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, जब बुरके के ऊपर बात आई, अरे पगड़ी के ऊपर मगा तेरी ऐसी की तैसी मार मार ठीक कर दू, दोबारा पगड़ी का नाम लिया, मैं वो आदमी हूं, ठोक के बात करने, ये समझते क्या मुझे कि मैं इनकी बातों से डर जाऊंगा, इनकी गालियों से डर जाऊंगा, जितनी देंगे ठोक के बोलूंगा, प्यार से बात करेंगे प्यार से करूंगा, ये मैं आपको बता दूं, मेरे पास ना किसी ने संपर्क किया, मेरे जख्मों पे और मेरे साथ जो शहीद हो चुके उनके जख्मों पे, और जो मेरे साथ जख्मी हुए उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं रोज डेली, बंदी सिख और दिल्ली का एक गोरख चोर, किसी जथेदार साहब का बेटा गोरख चोर कह रहा हूं मैं, कभी नहीं गंदी भाषा का, इसका मैं भाषण भेजूंगा, अरे इन्होंने जो किया कौम के लिए किया, मतलब जो बेगुना 36,000 बेगुना लोगों को शहीद किया वो कौम के लिए किया, अरे उनके हाथ में तो कोई हथियार ही नहीं था भाई, ये गोरख चोर ऐसी बातें करेंगे। मैं अमृतसर में नहीं किसी को कहता, मैं दिल्ली में कहता हूं, पुराना को आदमी नया नहीं,
ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल जोश पे करोगे कि छत्तीसगढ़ लोगों को मार करके जिनके हाथ में हथियार नहीं आप योद्धे कहलाते हो भाई है? आओ मेरे सामने, मैं हूं ना, मेरे सामने कहो हमारे पास AK-47 है, मेरे पास लसरसी, आओ थार थार करते सामने आओ। अरे बेकसूर लोगों को मारना, कहीं पे बम रख देना, किसी में कार बम रख देना, किसी गोलियों से निहत्थे आदमी को मार देना, कहीं योद्धे होते? योद्धे वो होते जो सामने लड़ते, हमें ना सामने लड़ते। आओ अब मुझे पता है पीठ पे पीछे वार करेगा, शेर बनो, आओ सामने। पहली बात तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, पर मुझे मेरे पे बम क्यों चलाया? मेरे साथ 38 आदमी क्यों मारे आपने? मेरे साथ 90 क्यों जख्मी किए? मैंने क्या कसूर किया था? मुझे जवाब तो दे दो, मुझे इस चीज का सवाल को जवाब तो दे दो। किससे मिलकर के मेरी सुरक्षा को आपने हटवाया था? मेरी जज पर सुरक्षा किस अधिकारी से आपकी छांट पड़ती, किस पॉलिटिशियन से छांट पड़ती? जो मैंने कोर्ट में पूछा मुझे बता दो, जो जो आपने डॉक्टरों को पैसे दिए मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा। मुझे बताओ तो सही, आपने किस किस को विदेशों से फंडिंग ला करके, पाकिस्तान से फंडिंग ला के यहां पर देशद्रोही का काम किया? कौन थे? आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, लाओ मुझे बताओ मेरी सुरक्षा हटाने वाला कौन था, मुझे ये बताओ। ये प्लानिंग से हुआ, ये पॉलिटिशियन की प्लानिंग से हुआ, ये पॉलिटिकल टेररिज्म था, ये राजनीतिक गुलामी में हुआ, ये अधिकारी भी गुलाम थे। अरे राजीव गांधी पहले चला गया, उसकी सुरक्षा हटाई, बाद में मेरी हटा दी, मेरे ऊपर बम चला था, आपने मुझे टेररिस्टों के आगे फेंक दिया। जितनी देर तक मेरी सुरक्षा का पता नहीं चलेगा कौन अधिकारी कौन पॉलिटिशियन, धर्मेंद्र पाल भुल्लर, हरनेक सिंह बप, दया सिंह लाहौरिया के साथ मिले थे कि बिट्टा की सुरक्षा हट चुकी, बम चला दो, अगली गाड़ी उड़ गई, मैं कुदरती बच गया। एक अफसर था, उसने मेरी सुरक्षा एक दिन के लिए मेरे दे दी, वो मैं बच गया, नहीं तो मैं थोड़ा बचता, आज आपके सामने थोड़ा होता। वो उड़ गए, लोग चले गए और बच गया। मुझे असलियत जितनी देर तक पता नहीं चलेगी कि मेरे पे हमला करने वाले के पीछे कौन कौन से पंजाब के पॉलिटिशियन, दिल्ली के पॉलिटिशियन, दिल्ली के कांग्रेस के नेता कौन कौन से शामिल थे, उतनी देर तक पीछे नहीं हटूंगा। मुझे असलियत पता चलेगी। आप लक्की जी कहोगे, मैं कहूंगा लक्की जी कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर सोच लेता हूं, पर धमकियां दोगे फिर मैं 10,000 परिवार तो मेरे इकट्ठे हो चुके हैं, 10,000 परिवार अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए, कितना बी को पोलिटिकल प्रेशर डाल ले, कितना भी कर डाल ले, दुनिया तमाशा देखेगी। और जब ये आवाज, ये पता चलेगा कि हम जो गुरुद्वारा साहब नमस्तक होते हैं, अपने खून पसीने का पैसा गुरुद्वारा साहब की गोलक में चलाते हैं कि धर्म को प्रफुल्लित करो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ धर्म प्रचार के लिए, लंगर लगाओ धर्म प्रचार, गरीबों की मदद करो, वो पैसा मुकल रत्तोगी और राम जेठ मलानी और कपिल सिब्बल को 20 लाख एक घंटे की फीस जाता है तो दुनिया में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बदनामी होगी। ये मैं मुट्ठियों में रखा है, मुट्ठियों में, मेरी मां कहती थी मुट्ठियों में रखना, ये पगड़ी जो है ना, पगड़ी, ये पगड़ी मेरी भी शान है, मेरी पगड़ी पे भी उंगल उठेगी। ये पुराने इतिहास के पन्नों को खोलोगे ना, बहुत निकलेगा वहां, जो गुरु महाराज छाप के जो थी ना मिट्टी, पवित्र मिट्टी, जहां रात दिन गुरु महाराज का पाठ होता था, उस मिट्टी से क्या निकला था इशारे से बताता हूं। 5 बजे के बाद, फिर कहते पुरानी बातें ना, 5 बजे के बाद घरों में जाके ये क्या करते थे बताऊं? एक एक की लिस्ट है, मेरी मुठियां बंद है, इनको मैं बता देता चाहता हूं कि चोरी छीना जोरी नहीं चलेगी, जो करना है ना वो प्यार से करो, धमकी मत कभी दे। हमने चोरे तो पहन दिए, धर्म के ठेकेदार तो बन गए, और कहते हैं बंदी सिखों को छोड़ दो। अरे कौन कहता है यार, हम कोई गलत बात थोड़ा कहते, पर अगर आप संत महात्मा है ना, ये संत महात्मा का दर्जा होता है, संत महात्मा है, मेरे पास ना हो चलो मैं पापी गुनाहगार सिख हो सकता हूं, आम जो शहीद हो गए उनके घर में भी कभी चले जाओ, भाई गलतियां हो गई, गलतियां। अब आपने माखन की बात की है ना, माखन की बात की, मैंने उनकी इंटरव्यू आपके चैनल पे सुनी है ना, उसका बात करने का तरीका कितना अच्छा था है ना, मैं नाम नहीं उनका, उनको उन सरदार साहब का बात करने का तरीका कितना अच्छा था लक्की जी, मुझे अच्छा लगा, जेंटलमैन भी आप, ठीक है गलतियां हुई उन्होंने कर दिया, इस तरीके से चर्चा का विषय करो ना, वो भी तो एक इंसान है ना। माखन को छोटी सी बात नहीं थी जिसको उन्होंने मारा, छोटी सी बात नहीं थी, परिवार ने छोड़ा को उन्होंने बड़े तरीके से किया होगा, वो लगता नहीं उनकी फेस को देख के आपके चैनल में लगता ही नहीं कि उन्होंने माखन का कत्ल किया होगा, उन्होंने भी तो अपने आप को बदला। हम धमकियां देते हैं पंजाब के अंदर, और मुझे रोज धमकियां देते हो,
तो भाई यार मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं देश की बात करता हूँ, पूरा देश मेरा है, ये पगड़ी मेरे सिर पे है, मैं एक पापी सा गुनाहगार सा सिख हूँ, ये बिट्टे की शान नहीं है, ये मेरी पगड़ी है, अगर पूरी दुनिया में पूरे देश में मुझे इज्जत मिलती है तो मुझे थोड़ा मिलती है, ये मेरी पगड़ी को मिलती है, लाखों लोगों में अकेला सरदार होता हूँ, और कदा सरदार साहब आगे और बिट्टा जी आगे, सरदार साहब आगे, बिट्टा जी नहीं कहते सरदार साहब आगे, क्यों कहते सरदार साहब, ये पापी गुनाहगार व्यक्ति के ऊपर सिर पे पगड़ी है, ये पगड़ी की लाज रखें, कोई भी हम पगड़ी लेके गलत काम करेंगे सिंधु बॉर्डर पे काटेंगे, बूढ़े सोनवाल करेंगे, और याद रखना को हमारी बाहर इज्जत नहीं होगी, हम बाहर के लोगों को जोड़े, लोग क्या कह रहे हैं आज बाहर के लोग, कहते हैं यार इतनी मार्शल कौन, ये क्या करते हैं, ये फेसबुक पे एक दूसरे को गाली निकालते रहते, गंदी गालियां निकालते, पूरी दुनिया में को गाली में निकालता, ये हमारी पहचान कहां, हमारी पहचान ये गुरु महाराज का पाठ पवित्र, कहां हम गाली फेसबुक को पे एक दूसरे को रोज यूट्यूब पे गाली देते इनसे, हमारे से तो मैं कई बार सोचता हूँ गुरुद्वारा साहब पे जो मछलियां ना 24 घंटे गुरु महाराज यहाँ पाठ होता है गुरु ग्रंथ साहब का 24 घंटे कीर्तन आसपास घूमती रहती है, वो पाठ की गुरु महाराज देखो कितनी कृपा, हमारे से लाखों दर्जे अच्छी है वो पाठ सुनती है, पवित्र वाणी सुनती को अच्छे कर्म किए, हम क्या करते हैं हम एक दूसरे को रोज घटिया किस्म की गाली देते हैं, अरे तुम्हारी माँ भी मेरी, मेरी माँ भी तेरी, तेरी बहन भी मेरी, मेरी बहन भी तेरी, है पंजाबी पंजाबी को नहीं छोड़ता, ये हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे मुझे बताइए, ये पूरे पूरे पंजाब में देखो किसी की इंटरव्यू देख लो, इनका एक नंबर का काम है, किसी ने तो पार्टियों ने हाईजैक कर लिया अपने कमेटियां बिठा दी गाली दो, अरे गाली किसी को देते हो तो याद रखना पंजाबियों को गाली देते हो, पगड़ी को गाली देते हो आप, क्लियर बातें मैं कर रहा हूं, लकी जी मेरी बातें बुरी लगेंगी कई आपको, इनको बुरी लगेंगी कई ऐसे गाली देने सुनने वाले को बुरी लगे, पर याद रखना पंजाब के बाहर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, अब कहते सबसे घटिया गाली देते, कहां हमारी पहचान पवित्रता सिक्की प्रफुल्लत, कहां गए जी हमारे स्कूल आज बताइए कहां गए कॉलेज, मैं एक सुनाता हूं अभी जोधपुर के आगे है जी मैं गया और वहां पे एक जैन समाज के व्यक्ति, जैन समाज के व्यक्ति 200 एकड़ में आश्रम, 200 एकड़ में एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया हमारे से, उसकी कीमत पता कितनी, एक कॉलेज की 35 करोड़ दूसरे की 25 करोड़ और अपने हाथों से हमसे राजस्थान सरकार को दे दिया, और सुनिए मैं बात बता छोड़ने में चाहते वो, और लंगर 24 घंटे चलता है, यह पूना के अंदर एक दारीवाल परिवार है, 70 करोड़ रुपया कश्मीर के अंदर कश्मीरी बच्चों के लिए मिलिट्री से स्कूल लेकर के प्लेन खड़ा करते हैं और चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं 70 करोड़ रुपया बताते नहीं, कर्नाटका के अंदर मैसूर के पास 10,000 बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10,000 बच्चों को खाना भी दिया जाता है, पैसे नहीं लेते धर्म के लिए नहीं मानवता के लिए, हम तो अपने धर्म को प्रफुल्लित नहीं कर सके, बताइए कौन सा स्कूल है हमारा, ये गुरु रामदास स्कूल होता था अमृतसर जहां मैं पढ़ा करता था, खत्म कर दिया, गुरु रामदास जी का हॉस्पिटल नीलम संजीवा रेड्डी ने कभी उसका शायद उद्घाटन किया था, आप देख लीजिए वहां है क्या हालत क्या है, दिल्ली के कॉलेज स्कूल देख लीजिए टीचरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, कौन सा धर्म प्रफुल्लित किया जी उन्होंने, हम बातें क्लियर करें, चंडीगढ़ पंजाब की आपने बड़ी बातें कर ली, अरे हम धर्म को फुल्लत नहीं कर रहे, जितनी देर तक हमारे स्कूल हमारे कॉलेज हमारा धर्म का प्रचार नहीं होगा, हमारे मानवता के लिए हॉस्पिटल नहीं होंगे जिस मानवता के नाम पर सिक्की जानी जाती है, तो बता दीजिए मुझे को है तो बता दीजिए, हाँ एक कर्नाटका के एक गुरु नानक देव जी का स्थान है मुझे नाम याद नहीं, वहां मैं अभी मत्था टेक के आया, 10,000 बच्चों को पढ़ाया जाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एक ही है हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, एक ही गुरुद्वारा साहब कर्नाटका के अंदर, मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं याद आ रहा, मैं वहां नमस्तक होके आया, उन्होंने कहा जी स्कूल में आइए, मैं कहा सिख बच्चे नहीं, कहते सिख भी हिंदू भी मुसलमान भी ईसाई, देखो सिखों की तादाद कम है पर कौन चलाता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, किसी से पैसे नहीं लेते वो, अभी आप लंदन में देख लीजिए पता नहीं कौन सरदार साहब थे हजारों करोड़ डॉलर जो है पाकिस्तान में करतारपुर साहब ने उन्होंने सेवा में लगा दिए, अच्छे लोग हैं पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पूरी दुनिया के ऊपर सबसे पवित्र मानी जाती है, आपने कहा हमारा पार्लियामेंट है, उनके स्कूल कॉलेज कहां गए, आप बता दीजिए कोई स्कूल कॉलेज चंडीगढ़ में बता दीजिए,
अमृतसर में बता दीजिए, अमृतसर तो हमारा सब कुछ है ना, पार्लियामेंट है ना, बता दीजिए मैं वहां का रहने वाला हूँ, जो थे जहां हम पढ़े थे वो भी ले लिए। तो कौन से चंडीगढ़ की बात करते, पहले सिक्खी को तो प्रफुल्लित कर ले, पहले दस्तार बनाने तो बांधनी तो सिखाए, हम तो दस्तारे उतारते जा रहे और नारे लगाते खाल, पहले सिख कौम सजाए। अकाल तख्त के जथेदार आपको मेरी बेनती, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, सिख कौम का प्रचार होना चाहिए, ना कि दुगुनाहों के कातलों को छोड़ने का। अगर छोड़ने की कोई चर्चा है तो उन शहीद परिवारों को मिला जाए और पता चले कि हम मानवता के लिए हैं। और जो अगले पकड़े जा रहे हैं लक्की जी, ये करनाल के अंदर, तरन तारण के अंदर, उसके लिए ये पार्लियामेंट सिख समाज का ये फैसला करे, ये बंदी सिख नहीं होंगे, ये कौम के दुश्मन होंगे, ये देश के दुश्मन होंगे, ये उस पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते जो पाकिस्तान हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम करता है, जो हिंदू भाइयों को कत्लेआम करता है, जो जवानों को शहीद करता है, जो ननकाना साहब का अपमान करते हुए देखता है, उस पाकिस्तान से जिसने मारा रंजीत सिंह जी का स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पल करके हमारी सिख कौम को बदनाम करते, इसकी चर्चा क्यों नहीं करेगा जी, बताइए कोई। क्यों अकाल तख्त साहब के हमारे जथेदार साहब हाथ जोड़ के क्यों नहीं चर्चा करेंगे, क्यों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो बंदी सिखों पे कमेटी बैठी क्यों नहीं चर्चा करेंगे। अरे पाकिस्तान तो हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम कर रहा है, उनके टुकड़ों पे पलने वाले पैसे लेके यहां पगड़ी पहन के हमारे सिख कौम को बदनाम करते। अगर वो बम ब्लास्ट करनाल वाला कहीं हो जाता, चल जाता, देखना लोग चले जाते तो कौन बदनाम होता, वो व्यक्ति ना बदनाम होता, ये पगड़ी बदनाम होती, इसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं पंजाब के अंदर। अच्छी सरदार होने आ रहे, सरदार बनना है तो बनो जगजीत सिंह अरोड़ा वर्गे, सरदार बनना बनो एयर मार्शल अर्जुन सिंह वर्गे, सरदार बनना तो बनो दुनवा वर्गे, जिसने पाकिस्तान के चने चबा दिए थे, उसको सरदार साहब कहते हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम करके पाकिस्तान हमारा दुश्मन, हमारे गुरुद्वारा साहब की ग्रंथी का बेटी का अपमान करने वाला, हमारे डॉक्टरों को शहीद करने वाला, मारा रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़ने वाला शेरे पंजाब का, वो हमारा दुश्मन है। उनके टुकड़ों पे जो पड़ेगा वो सिख कौम का नहीं, वो सिख कौम का गदार है, वो देश का गदार है। ये चीजों को करना पड़ेगा लक्की जी। इंटरव्यू बहुत होती है, चली जाती है, पर जिंदगी के अंदर आग है, आग ये बोलेंगे, बोलते रहेंगे, बंब खाए बंब खाते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, जब जाते वक्त जाएंगे ना इतना कुछ लिख के जाएंगे, इनकी हिस्ट्री खालिस्तानियों को लिख के जाएंगे, जिन्होंने घरों के घर उजाड़ दिए तस्वीरें लगा के, और जब कहीं गलती से किसी ने पिक्चर बना ली ना कश्मीर की तरह, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। याद रखना, मेरे पास आए थे कई पिक्चर बनानी है, मगर ना भाई पंजाब पे नहीं करना, और जिस दिन कहीं आपने दिमाग खराब कर दिया, आप नहीं हटे, पिक्चर बन गई सारी निकल आएगी, 5 बजे के बाद गांव में घरों में जाके क्या करते थे, आपके करतूतें बनेंगी, और जो नई जनरेशन आपके पीछे लगी है ना, ये उखाड़ उखाड़ के आपको गाली देगी, आपने क्या करतूतें की, सिख कौम को आपने बदनाम किया। लोगों को ये नहीं पता और बहुत सी जनरेशन को ये नहीं पता कि जो दो बम ब्लास्ट हुए थे, मैंने इस चैनल पे अपनी दो अलग रिपोर्ट्स बनाई थी, और जिसमें कि अमृतसर में जो धमाका पहली बार उसके कुछ महीने बाद वो जो यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण था, क्योंकि लोग आज मानते हैं कि बिंदरजीत सिंह बिट्टा को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रखी है, वो सुरक्षा अपनी छोड़ के दिखाए फिर उसको जवाब देंगे। तो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा 1990 के शुरुआत के दशक के सालों में क्या था, और वो ऐसा क्या करता था जिस कारण उस पर हमले हुए, ये हमें बताएं। देखो जी मेरी बात सुनिए, मैं था अमृतसर का रहने वाला, 2014 अटैक हुए, अब पहला हमला हुआ था 82 या 83 के अंदर, जब 15 अगस्त तिरंगा झंडा में चौक बाबा साहब में लहराना था, एक तरफ हरमंदर साहब एक तरफ जलियांवाला बाग, हम बच्चे थे, हम तो देश का झंडा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा है, स्कूल से ही लहराते थे, हम झंडा लहराने लगे तो अंदर AK-47 वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन थे, मैसेज आया पुलिस स्टेशन को, बिट्टा झंडा लहराए तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस स्टेशन का ऑफिसर आता, उसका नाम होता है चमनलाल, मुझे अभी तक याद है, कहता रास्ता बदलू, मैं कहा ना, मैं कहा मैं को देश के खिलाफ झंडा लहरा रहा हूं, मैं देश का झंडा लहरा रहा हूं, ये खून से सजा तिरंगा झंडा है, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का है, मैं तो लहराऊंगा। 5 बजे बम फेंके, ये हरिमंदर साहब भाग जाते हैं, मैं पीछे भागता हूं, अंदर चले जाते हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। 12 बजे जब झंडा लहराता हूं, फिर आते मेरे मंच के ऊपर, खालिस्तान के पंपलेट फेंकते,
और पंपलेट फिर के खालिस्तान के नारे ले, जिंदाबाद नहीं बोलने देगा, इनके इनके बहुत काफले चलते हैं, शाम को गिरफ्तारियां होती है। फिर कहते हैं तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। मैं कहानी सुनाता हूं, हम तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते हैं, भारत माता की जय, बूढ़े सोने आल वंदे मातरम, 5 बजे तिरंगा झंडा जब सूरज डूबने लगा छाती पे लगा के जाते, बम्बू गोलियों का जवाब देते, ये मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है। जब ये दीवारों पे निकलते धोती टोपी जमुना पार, हिंदू समाज को थरेआम गाली देते जिनका कोई तलक नहीं था, रात को काला रंग नीले रंग का डब्बा लेके नारों को मिटा के लिखते भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रथम राष्ट्र, उस वक्त गोलियां चलाते हैं। फिर ये चलाते हैं गोलियां, मेरे पे बम इसलिए चलाते, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, जिंदगी में इलेक्शन मेरा मकसद था ही नहीं, मंत्री बनना मेरा मकसद था ही नहीं, मेरा था कि पंजाब में बहनों के सुहागों को बचाऊं, गुरु महाराज की प्रफुल्ल सिक्खी बदनाम ना हो, मैं अमन शांति के लिए काम करूं। ठीक, उसके बाद ये क्या करते हैं कि चैलेंज करते हैं, बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा तो हम बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने का हाथ काट देंगे, हरमंदिर साहब के आसपास का एरिया होता है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं कहा मैं पूरे पंजाब में प्रचार करूंगा। नरसिम्हा राव जी कहते हैं सरकार अकालियों की बने, सरकार बीजेपी की बने, सीपीएम की बने या कांग्रेस की बने, बहुत हो चुका, हमें लोकतंत्र लाना है। मैंने कहा मैं वही लड़ूंगा, अगर ये बम चलाने की बात करते डराने की बात करते तो मैंने इलेक्शन लड़ी, पंजाब से सबसे ज्यादा वोटों से जीता, और उसके बाद हमने लोगों में जाना शुरू कर दिया, अमन शांति का काम शुरू कर दिया, लोगों के काम धंधे तबाह हो चुके थे, लोग खत्म हो चुके थे, सब तरफ दहशत थी, हम खुद निकले मैदान जंग में, और सुबह इन्होंने एक फंक्शन पे जाना था, 2 कारों में बम लगा दिया। ये अमृतसर, अमृतसर, मैं आपकी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कमजोरी की बात बताता हूं, और उससे पहले एक बार गोली चल चुकी होती, मैं क्रसिस पे चलता हूं, 1 नंबर कमरे में सर्कट हाउस में होता हूं, और मेरे साथ एक मेरा और मेरा साथी होता है, मैं कहा यार सुबह बम चलेगा, कहता आपको आप कैसे कह रहे, कैंसिल कर दो, मैं कहा नहीं, अखबारों में इश्तेहार आ गए, मुझे सुरक्षा का बहुत ध्यान रहता है, कहां क्या हो सकता है, पर पुलिस को नहीं था, जो तनख्वाह लेते उनको कोई अकल नहीं थी, कहता कैंसिल, मैं कैंसिल नहीं होगा, कहेंगे डर गए, मैं कहा सुबह ये बम लगाएंगे, 2 बम लगाते हैं, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगता हूं, मेरी कार का ड्राइवर मिनिस्ट्री कार का तिरंगा झंडा खोल देता है, मुझे तिरंगे झंडे से प्यार है, कहता साहब बैठो, मैं मुझे पता बम चलने वाला है, मुझे ज्ञान है इस चीज का, मैं बैठ जाता हूं, काफला चलता है, जैसे हुटर बैठता लाल झंडियां हिलती है, मैं कहा ये लाल हुटर ही मुझे मरवाएगा, जैसे पुल होता है मेरे पे ब्लास्ट होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बच्चे कई बच्चे उड़ जाते हैं, तारों पे लटक जाते हैं, गोरे टांगे वाले टांगे के ऊपर गोड़े ऊपर आधा घोड़ा ऊपर टांगों पे देखा लटकता देखता हूं, LMG का जवान CRP का आगे उसका गर्दन उड़ जाती है, और LMG जो है किसी के सीना पार करके चले, खून ही खून बह जाता है, और मैं जब देखता हूं मेरा पैर, सुबह जब मैं क्रसिस रात को छोड़ता हूं, मुझे नहीं पता सुबह क्रसिस पकड़ लूंगा, सुबह क्रसिस अपना मैं उतर के चलता हूं, आज मैं ठीक हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा होगा, देखता हूं तो मेरा पांव उतर जाता है। ये मैं खालिस्तानियों को बात बताना चाहता हूं, इस भारत के अंदर शक्ति, हमारे गुरु महाराज की पीरों पैगंबरों की शक्ति बताना चाहता हूं, और नीचे उतरता हूं, मेरे गनमैन मुझे पकड़ते हैं, लेके जाते, फिर ऊपर से फायरिंग करते मेरे ऊपर, मेरे गनमैन जख्मी हो जाते, कोई मुझे कोई शहीद हो जाते, मुझे एक गाड़ी में बैठा के लेके जाते, और आन होश में होता हूं, बाल्टियां की खालिस्तानियों बताना चाहता हूं, बाल्टियां की बाल्टियां बहती हैं, मेरे देश की शक्ति, मेरे गुरु महाराज की शक्ति, देश के लिए राष्ट्र के लिए काम किया, और कहता हूं मुझे कक्कड़ अस्पताल ले चलो, कितने किलोमीटर होता है, 7 किलोमीटर 8 या 10 किलोमीटर होगा, जब तक इंजेक्शन नहीं लगता होश में होता हूं, देश के नारे लगाता हूं, बोले सोने आल कहता हूं, अभी भी डॉक्टर हैं जिंदा, मैं उनकी उम्र लंबी है, मैं मिला देता हूं, ये शक्ति होती है राष्ट्र की, ये शक्ति होती गुरु महाराज की, ये शक्ति होती है भाई गलैया जी की, हमने किसी को मारा नहीं, सही सोच पे चले, अरे मेरा खून ही बहता गया, पर मेरा चेहरा खिला हुआ था। उसके बाद आता हूं मैं दिल्ली में, मुझे नरसिम्हा राव जी दिल्ली बैठा देते, उनको पता है उसको मार देगा, मुझे नहीं पता था क्यों बुलाया, और जब आते हैं तो मेरी कोठी अलर्ट होती है। बेटा साहब इस पे ये जो अमृतसर वाला ब्लास्ट था, जो मुझे पता लगा था ये ज्यादा खतरनाक था, इसमें ज्यादा लोगों की मौत हुई, या आपको ज्यादा चोटें अमृतसर वाले में लगी, और जो दिल्ली वाला ब्लास्ट इसकी भी बात करेंगे उसमें आपको चोटें लगी, आपको बहुत ज्यादा शायद मारे गए। अमृतसर जो ब्लास्ट हुआ
उसमें एक आतंकवादी था राणा प्रताप, पंजाब के एक मंत्री का, खडूर साहब, वो एक मंत्री का खास रिश्तेदार था। हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है। उसने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, परमजीत सिंह पंजवड़ कई और थे, और पंजाब में एक मंत्री उसका साथ था। और जब मैंने थोड़ा सा शोर मचाया, उसका इनकाउंटर हुआ कहां पे, बॉम्बे के, उसका इनकाउंटर करा दिया गया मुंबई में, सारे सुराग ही खत्म कर दिए। चलो मुझे दिल्ली ले गए। दिल्ली जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, जब मैं माहौल देखा पार्लियामेंट के पास, गाड़ियां खड़ी है, मैं कहा कार बम चला यार, कोई और लगा देगा। एक डीसीपी को बोला यार यहां कार बम लगा देगा यार, मेरी जिंदगी का कोई नहीं, मेरे साथ जिंदगियां को जाए, मेरे साथ और लोगों के बहनों के सुहाग के उजड़े। खैर जेड प्लस सुरक्षा हुई, 15 दिन में सुरक्षा मिलती है। लकी साहब हकीकत बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर के बाद पावर होती मेरे पास, पर मुझे समझ नहीं थी, नया नया गया था, भगवान ने बचा दिया। ये बम चलना था पंजाब भवन में, मिनिस्ट्री छूट के नीचे कंटीन में पूरा पंजाब भवन उड़ाना था इन्होंने, पर क्या हुआ कि वहां सुरक्षा थी, कर नहीं पाए। एक महीने से जिद्या सिंह लाहौरिया, हरनेक सिंह बप लाहौर और ये भुल्लर, ये जनपद होटल में कार बम तैयार करके, अम्बेसडर कार में तैयार करके वहां रखा था जनपद होटल में, मौके की तलाश में थे। पंजाब के ऑफिसर कहते कि बिट्टा के ऊपर ब्लास्ट होगा, चिट्ठी लिखते हैं ब्लास्ट होगा, इंटेलिजेंस को लिखते हैं, दिल्ली पुलिस को लिखते हैं। 15 दिन के अंदर क्या साजिश होती है इन पॉलिटिकल टेररिज्म की, पॉलिटिशियन के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके। 15 दिन में मिली हुई सुरक्षा, तो विड्रा की चिट्ठी आती, मैं एक रैली करके पटना से आता हूं, मेरा पीए कहता आपकी सुरक्षा विड्रा, मैं एक ऑफिसर को फोन करता हूं, कहता पंजाब में तो हमें इंफॉर्मेशन आई कि आपके ऊपर ब्लास्ट हो सकता है, आप होम मिनिस्टर को मिल लो। मैं होम मिनिस्टर को मिलने सुबह जाता हूं 12 बजे, मेरा होम मिनिस्टर का टाइम आगे हो जाता है, लोगों की जिंदगियां बचनी थी, 600 लोग थे, 500 लोग थे, मर जाते अगर उस वक्त चलता। उसमें एक घंटे का काफला, एक घंटे का समय मिला, पब्लिक चली गई, मैं काम करने लग गया, जैसे काफला निकला ब्लास्ट हो गया। ली मैरिडन तक अंदर फॉरनर कई लोग शहीद हो गए, और किसी का सिर उठा के लाए हाथ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से लाए, खतरनाक था, बम लाशें बच गई। मुझे एक चीज बताओ कि मुझे किसी ने पूछा क्या किसी ने ये मदद की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कि बिट्टा की सुरक्षा विड्रा क्यों हुई थी, उसके ऊपर बम चला जब अमृतसर में चल चुका था, जब खतरा था उसके ऊपर बम चला, सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, क्या इसकी कभी ये बंदी सिखों की कमेटी जांच कराएगी कि बिट्टा की सुरक्षा वापस क्यों हुई थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं तो जिंदा मिसाल हूं ना, हर चीज की जिंदा मिसाल हूं। अगर ये जिंदा मिसाल को कभी खालिस्तानी ये बम्बे से चला के मुझे खत्म भी करेंगे, वो सबूत छोड़ के जाऊंगा हर गांव के, वो सबूत छोड़ के जाऊंगा। सिख कौम को बदनाम करने के लिए आपने क्या क्या गुनाह पाप किए, मलबे के अंदर से पिंजर मिले, पवित्र स्थानों के ऊपर किन किन लोगों को मारा, याद रखना। ये कभी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, मेरी बात सुन लेना, बम चलाने गोलियां चलाने से पहले मेरी बात सुन लेना, मैं बूढ़स की जिंदगी में मौत से नहीं हूं डरता, मैं याद रख लेना, प्यार से बात करोगे सही चलूंगा। लक्की जी सामने बैठे, धमकियां दोगे परवाह करने के लिए, ऐसे बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, कभी भी आ जाना। कि मुझे कहते मुछा मरोड़ के बिट्टा बड़े पुठे सीधी गल्ला करता है, बड़ा चवा के गल्ला करता है, लोगों को जो कई हाँ। लोग कर रहे हैं उनकी तकलीफ ये भी है, इतनी इतनी जोश में उत्तेजना में ऐसी बात करते हैं, औरतों को इतनी तीखे सुर में बात नहीं करते इन लोगों के खिलाफ, तो आधी तो तकलीफ ये भी है ना कि बिट्टा की में इतनी तलखी क्यों है, बिट्टा में अकड़ किस चीज की है। बुजदल ये कायर बम लगा दिया भाग गए, फिर डिप्रेशन में चले गए, हमें छुड़ा दो राजे वाले, हमें छुड़ा दो, हम तो फांसी पे चढ़ जाएंगे। अरे फिर फांसी पे चढ़ जाओ ना, फांसी पे चढ़। सुरक्षा को मैंने सरकार से मांगी, मैं कहता हूं चलो मैं सुरक्षा के बगैर आ जाता हूं, अब बताओ मैं कहां हूं, मुझे बता दो। पर आना सीधे, सरदार घात लगा के हमला नहीं करता, सीधा आना, आओ ना, आओ सीधे आ जाओ। पहली बात तो मेरी लड़ाई कोई नहीं, पर ये रोज सुरक्षा की बात करते हैं। अगर सुरक्षा सुखबीर बादल के पास है, अगर सुरक्षा सोनिया गांधी के पास है, अगर सुरक्षा प्रियंका गांधी के पास है, अगर सुरक्षा और लोगों के पास है, तो मेरे पास सुरक्षा की इनको क्या तकलीफ है। क्या आप ये समझते हैं कि मैं सुरक्षा व्यवस्था को पहले की तरह कमजोर कर दे और बिट्टा का नुकसान कर दे, ये चाहते हैं, तो मैं आ जाता हूं, कहीं अकेला आ जाता हूं, अपनी प्यास बुझा लो भैया। अगर मेरे मारने से आपकी प्यास बुझती है, अगर मेरे मारने के बाद आपके शरीर को ठंडक पड़ती है, पर मैं याद रखना, मैं एक बात गारंटी से कह देता हूं,
बिट्टा पंजाब का तो है, ये जो हिंदी में बोल रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि आपने किस व्यक्ति के ऊपर हमला किया था, उसने को गलत काम नहीं किया था, पूरी दुनिया आपसे सवाल पूछेगी, याद रखना, गलत फहमी में मत रहना जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टा साहब इस बातचीत को करने के लिए, बातचीत काफी लंबी हुई लेकिन आपका दृष्टिकोण आना बहुत जरूरी था क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं पक्ष हैं इस पूरी की पूरी सिख बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत जो है बेशक थोड़ी लंबी जरूर रही लेकिन इससे कई नई जानकारियां मिली जरूर होंगी और खासकर मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने खुद अपने शरीर पर क्या भोगा है, क्या उन पर हमले हुए हैं, क्यों उनके मन में इस चीज को लेकर नाराजगी है कि जब भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति की जाती है वो राजनीति बहुत ही छोटे हितों को लेकर होती है और पंजाब में ये राजनीति पिछले कई दशकों से होती आई है, शायद यही कारण है कि पंजाब की स्थिति आज वो है जो वो है। बेटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।